कहीं आप लोग ये समझे कि खामा खा के लिए जी इसलिए बोल रही हूँ आज शोभी के शो में बैठी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं शोभी के शो में बैठी हूँ इसलिए नहीं बोल रही, बल्कि ये कि मैं इनको बहुत सालों से सुन रही हूँ भाई, फैन हूँ मैं इनके शो की, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब देखिए, मैं सुनती भी हूँ और आप लोग अगर देखते होंगे इनका शो, सुनते होंगे, तो आपको यकीनन मेरा कोई कमेंट भी नीचे आता होगा नजर ना। लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, जी मैं आपका शो देख रही हूँ, और फिर ये भी ना देर नहीं लगाते ना, फौरन साथ ही इन्होंने आवाज हाँ। लगा दी थी, अच्छा दरक्षा वो भी हमारा शो देख रही है। नहीं बिल्कुल, वो इसलिए दर्शा के जब आपकी हाजिरी सामने उधर है कि दर्शा ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो जी मैं फौरन मैंने जी दरवाजा नॉक किया किसने भाई, तो वो मैं सही फौरन लोगों को है, बता देता हूँ कि जी हमारे दरवाजे पे कौन आया भाई अभी, तो बिल्कुल सही हम इस बात आवाज लगा के कहते हैं जा भाई जा दरवाजा खोल दे भाई जल्दी से, तो इस तरह ये सही। बात जो है वहां तक चल पहुंचती है। और अब जो है ये सिलसिला हमारा शुरू हो चुका है, और इस शुरू के सिलसिले के लिए थोड़ी सी बात हम ये करते हैं कि दर्शा जो हमारे साथ मौजूद है, दर्शा ये बताएं कि आजकल मसरूफियत क्या क्या कर रही है, क्या मतलब कुछ जी आजकल एक अभी मेरा सोप खत्म हुआ है, मेरे ख्याल है हमें रेडियो से चैनल का कोई वो नहीं करना चाहिए, तो एआरवाई हाँ बेहतर को, हाँ होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा भी शो खत्म, सॉरी शो में बैठ के शो याद करें, मेरा अभी एक सोप खत्म हुआ है एआरवाई से, मैं मेहरू हूँ के नाम से, और अभी आजकल मैं जवेरिया का एक सोप कर रही हूँ, बल्कि वो ऑनियर भी है, बहुत जल्दी आप उसे एक्सप्रेस पे देखेंगे। और बाकी इसके अलावा शोज तो मॉर्निंग शो तो मैं करती रहती हूँ, वो मॉर्निंग शो तो कर रही हूँ और आज नाइट शो भी कर रही हूँ, शोवी के साथ इनके FM 100 के ऊपर, बिल्कुल सही जाहिर बात है है। अच्छा मैं तो। साथ साथ ये बता दे, चलो सॉरी आपकी बात काटी मैंने, कि मैं आज है वो अपने दर्शा हमारे साथ मौजूद है, मगर दर्शा के हवाले से कुछ हम सीनियर अपने जो है फनकारों से कुछ आर्टिस्टों से बात करेंगे सीनियर से, कि जिनके साथ दर्शा ने काम किया, दर्शा में वैसे दर्शा खुद भी जो है माशाल्लाह सीनियर हैं, मगर और हमारे जो सीनियर जो माशाल्लाह जिनसे हम सीखते हैं, और जो यकीनन हमारे लिए एक एक पूरे इदारे की हैसियत रखते अकेडमी हैं, है एकेडमी हमारी, हमारे लिए होती बिल्कुल है, जी तो बिल्कुल, वो कुछ उनसे बात भी हम करेंगे, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और वो बड़े मशहूर मशहूर से नाम है, और अल्लाह ताला ने बहुत उनको इज्जत दी है, और वो इससे अल्लाह की दी इस इज्जत को बहुत संभाल कर उन्होंने रखा है, और नो डाउट वो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करूंगा मैं धीरे धीरे, अभी जो है फिलहाल जो है वो बात करेंगे आपसे, दर्शा बात करेंगे, मैं जब तक जो है गुलाम अब्बास साहब को लाइन मिलाता हूँ, गुलाम अब्बास साहब से को लेते और उनसे कुछ एक शेर दो गाने जरूर थोड़ा जरूर, सुनेंगे ना। बल्कि बहुत अच्छे गायरे हैं, वो सिंगर हैं। तो जनाब आज मैं, आप यकीनन देख तो रहे हैं, मुझे सुन भी रहे होंगे और देखते वैसे भी रहते हैं, तो कैसा लगेगा आपको प्रोग्राम में, या कैसा लग रहा है मेरा यहाँ मौजूद होना, आप लोग बताते भी रहिएगा और बताएंगे तो बल्कि अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आर्टिस्ट है, एक्टर है, चलो जी चला गया, काम किया चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्टर का जो काम है ना, उसका जो दिल है ना, वो उससे बड़ा होता है। सिर्फ एक क्लैप, आप एक क्लैप करते हैं, किसी के लिए एक ताली बिल्कुल बजाते हैं, वो एक्टर का दिल बहुत बड़ा कर देता है। बहुत इसी अच्छी तरह ये बिल्कुल होता है कि जब आप अगर सुन रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं, और अगर आपने देखा है कहीं थोड़ा सा भी किसी भी लम्हे, तो आप उस पे इग्नोर करेंगे, अनजान बन जाएंगे, तो दुख होगा कि नहीं यार, ये जानते हुए भी ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप ना जानते हो, जानते तो गए। तो अगर आप कहते, तो वो हमारा बड़ा दिल बढ़ता है, और मुझे तो वैसे खून की बड़ी जरूरत है, शो भी पता है आपको, मेरा तो खून बढ़ेगा वैसे भी सही बात है। हीमोग्लोबिन कम है आजकल आजकल मेरा वैसे भी तो खैर ये है कि देखिए, रेडियो का जो है ना एक अपना मजा होता है, वैसे मुझे तो बहुत, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ रेडियो को, और मुझे इसलिए अच्छा भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है, और मैं देख रही हूँ कि शो भी जो है एक कॉल मिलाने में लगे हुए हैं, और माशाल्लाह गुलाम अब्बास साहब को मेरे ख्याल आप कॉल लगा रहे हैं। जी गुलाम बाद साहब को मैं लगा हाँ रहा हूँ, जी, अल्लाह करे और कि वो उठा लें, बस ये जी कि अल्लाह क्योंकि करे अचानक उठा कॉल लें। कर रहा हूँ मैं उनको। हाँ, अचानक कॉल करें, और वो तो वैसे ही इतने अच्छे, इतने बड़े सिंगर हैं, किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं है, बहुत बेतहाशा गाने बहुत ज्यादा उन्होंने गाए हैं, आप लोग उनको सुनते भी रहते हैं और सुनते रहते होंगे, और जो जितने भी जो पुराने लोग हैं ना, वो तो इनकी आवाज से नाआशना हो ही नहीं सकते। क्यों, मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इतना अच्छा बोल रही हैं कि मेरा दिल चाह रहा है मैं चुप हो जाऊं। अच्छा देखिए, मेरा तो मसला यही है कि एक कैमरा मिल जाए और एक माइक मिल जाए, खत्म है ना अच्छा मेरा फनकार जो होता है ना, प्रोग्राम। फनकार वो वाकई मैं जहाँ ये हाँ दोनों चीजें उसके जहाँ जिन चीजों को वो मतलब जहनी तौर पर अपने आप को उनमें जज्ब बिल्कुल, कर चुका है, वो अगर मिल जाए तो वो फिर हाँ उसको होश ही रहता है भाई, चीजों ये का। हमें इसने बहुत कुछ दिया है, हमें इस स्क्रीन ने और इस माइक ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारी शनाख्त दी है, तो हम बोले क्यों नहीं, क्यों हमें बोलना चाहिए ना, आप भी बताएं, बोलना तो चाहिए ना, बोलेंगे
तो खैर ये है कि और बताएं कि हम लोग मेरे ख्याल तो में कि वो गुलाम आजाद साहब शायद हो सकता है कि फोन नहीं उठा रहे हैं, या तो मेरे ख्याल नहीं सो नहीं, वैसे उनका मेरे ख्याल प्रोग्राम था आज, उनका की महफिल थी, मे भी उनकी महफिल हो, तो यूं करते हैं कि जब तक तो हम जो है वो उनको वहां पर लेके जो बाद में कर लेंगे, हो सकता है बाद में बात हो जाए हमारी, तो मेरे ख्याल में एक और जो है वो फनकार है उससे बात करके देखते हैं, इब्तदा उन्हीं से करते हैं आज के प्रोग्राम की। अच्छा वो कौन? अब वो अब आपको बता दिया तो सारा वो सस्पेंस जो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा अभी हमसे चीजें छुपा रहे हैं? नहीं बिल्कुल छुपानी पड़ेगी, छुपानी पड़ेगी बहुत सारी चीजें, और मेरे ख्याल में यूं करता हूं कि मैं जो है वो जरा उनको मैं कॉल मिला लूं, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि वो चले। खैर बहरहाल आप तो कॉल मिलाएं और मुझे तो इतना मजा वैसे ही बातें करने में आ रहा है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है बातें करना, कि ये भी एक बड़ा मजे की चीज होती है कि आप माइक के जरिए बात कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है और उसी में आपसे भी बात हो रही है, आप गाने हेलो, भी सुन रहे हैं, आपकी आवाज भी सुन रहे हैं और जी आप जनाब देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप पहचाने भाई? आप पहचाने कौन है ये? मैं हमारे से दरक्षा ताहिर बैठी हुई हैं, इनको मैंने बताया नहीं कि आप कौन हैं। मिशी की आवाज मैं ना पहचानूं? मिशी खान की आवाज? ऐसा हो सकता है कि मैं मिशी खान की आवाज ना पहचानूं? जी मिशी कैसी है, ठीक ठाक है आप? खैरियत से? ठीक ठाक, कैसे आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। रात को आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं अकेले? मिशी कैसी हो, ठीक हो? दक्षा मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई लव यू जान, गुड टू हियर फ्रॉम यू। मैंने सही है तुम्हें ऑन एयर आई लव यू बोल दिया, देखो। आई लव यू टू, बहुत ही प्यारी पुरानी और वो कहते ना अच्छे टाइम्स की जो फ्रेंड हो और अभी भी हो माशाल्लाह से। और दक्षा के बारे में आपको एक बात बताऊं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और वो कहते ना जबरदस्त लोग, जो पीठ पीछे जैसे हैं उसी तरह होते हैं, है। सही, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। बिल्कुल, एक ऐसे लोग आजकल के जमाने में तो ना होने के बाद, वो नायाब है, नायाब बिल्कुल, उन्हें ढूंढना पड़ता है, पता नहीं शाज़ो नाज़िर कहीं को हो सकता है, को मिल जाए। प्यार है तुम्हारा और तुम खुद इतनी प्यारी हो और माशाल्लाह इतनी सीनियर हो, मिशी खान का तो जाहिर सी बात है नाम आते ही। अच्छा मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि आप यकीनन अगर सुन रहे हैं आवाज तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे साथ। अच्छा मिशी मैं चाहूंगा थोड़ा सा जो आप हमारे सुनने वालों को जो है वो अपना इंट्रो खुद करवाएं जरा सब डायरेक्ट, हम दोनों नहीं है। इस मामले में मैं थोड़ी सी वो पता नहीं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, बट ये कि शायद आवाज से पहचान ही गए होंगे। जी तुम्हारी आवाज से तो मैं कहती हूँ, बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में हिस्सा लेके, स्पेशली मेरी फ्रेंड के लिए जो है कॉल करके बहुत अच्छा लग रहा है कि सीधा वेरी फाइन पर्सन और जबरदस्त लगती हैं, जिस शो में जाती हैं वहाँ पे चार चांद लगा देती हैं वाइब्रेंट पर्सनालिटी से, और इनका जो जो रौनक लगाती है ना वो बड़ा जबरदस्त है। इनकी रौनक का तो वही हिसाब है कि ये महफिल जो आज सजी, इस महफिल में है कोई हमसा है तो सामने आ जाए। मैंने तो इन्हीं के ऊपर बिल्कुल सूट है, सूट करते हैं ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। मिशी थैंक यू सो मच यार, तुम इतनी रात तक मतलब अभी जाग रहे हो, तुम कॉल भी आई, तुमने मेरे लिए बोले भी बहुत अच्छे अल्फाज, और ये तुम्हारा प्यार है क्योंकि मिशी खान तो जाहिर खुद बहुत अच्छी है और अभी भी जाहिर शोज़ तो मिशी माशाल्लाह खुद बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और मतलब रूसा ड्रामा तो जाहिर सी बात है इनका ऐसा है कि उस वक्त तो हम देखते थे, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी बात तो मैं, अब ये हम आपस में एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे। अच्छा मैं आपसे बड़ा फैन हूँ, मैं आपसे बड़ा फैन, रियली बिल्कुल मैं बड़ी फैन हूँ भाई, ये बात अब मिशी अब दोनों का झगड़ा दूर करो। बहुत बहुत शुक्रिया, हम एक दूसरे के फैन है और लोग हमारे फैन है, क्या बात है भाई, ये बड़ा एक अच्छा सा वो चल रहा है भाई। मिशी के मॉर्निंग शो जब करती थी टीवी पे वाइब पे, तो मैं एक दो प्रोग्रामों में मिशी के मैं भी गया हूँ। सॉरी करेक्शन, वो इवनिंग का शो था। हाँ वो सॉरी, हाँ इवनिंग का बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो वो इवनिंग मॉर्निंग एक ही बात है, सही बात है। हमारे तो शो भी आपने इवनिंग मॉर्निंग एक ही बात है, एक ही बात है भाई। जो लोग आपको बताए आर्टिस्ट सुबह को आगे सोते तो इवनिंग में उठते, तो उसकी मॉर्निंग वही होती है। शुक्र है जब से मैंने मॉर्निंग शो मैं करती हूँ तो मुझे रूटीन अपनी पसंद है, ये जो रातों को आई थिंक इससे इंसान की सेहत और अदरवाइज इट्स नॉट वेरी गुड, और ड्रामा वालों को भी जो है ना 8-9 बजे पैकअप करना, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, सही कह रही हूँ। अगर क्योंकि देखिए एक इंसान की अपनी लाइफ भी होती है, रक्षा भी देखिए
वर्किंग वुमन है एंड देन शी इज गॉट अ फैमिली ऑल्सो, तो ये तो नहीं है ना कि अब आप आए सुबह 10 बजे तो फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया आपका मिशी, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, एंड आई विश दक्षा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी लगती हैं और अपने आप को बड़ा जबरदस्त मेंटेन भी किया हुआ है, एंड हमेशा बड़ी ग्लैमरस लगती हैं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू हर एंड माय एक बार फिर मैं आपसे और जो है वो दोबारा सॉरी करूंगा कि आपको इतनी रात को मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं, 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 मैं सही 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 चले चले। थैंक यू मिशी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये हमारे साथ थे मिशी खान, और मिशी खान का आपको पता है नाम जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो माशाल्लाह खुद बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हमारे मुल्क की शोबिज के हवाले से, और जाहिर है ये इतना काम किया है इन्होंने, इतना काम किया और अभी भी कर रही है, और बहुत अच्छी बंदी है। वैसे भी बताओ, मेरी तो हर पुरानी साथी भी है, दोस्त भी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा उसने। देखिए, आपके लिए कोई चंद, मैंने अभी आप इस कॉल से पहले यही बात करी थी कि अगर आप, ये तो हमारे आर्टिस्ट साथी है ना, इन्होंने भी कॉल की, इन्होंने भी बताया, तो हम यही कहते हैं कि हमारा सारा जो असासा है ना वो आप सब होते हैं, आपकी एक क्लैपिंग होती है, आपके एक वर्ड्स होते हैं जो हमें हमें एनर्जी देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हकीकत, और ये हकीकत होता है कि मैं इंसान वही, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि अगर कोई सिंगर है या बोलने वाला है तो उसके सुनने वाले हैं तो वो उसका असासा है। बिल्कुल, और कोई टीवी एक्टर है तो उसके फैन जो उसको टीवी पे ड्रामों में देख रहे हैं उसको उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उनका असासा है। बिल्कुल, और अगर ये सब ना होते तो भी हम फनकार कहाँ होते? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होते ना, हम तो आम आदमी, हम भी आम आदमी की तरह होते, हम खास नहीं होते। खास होने के लिए हमारे सामने लोगों का होना बहुत जरूरी है, सही बात, जो खास बनाते हैं, तो आप सब ने हमें खास बनाया और आप सबकी मोहब्बतें, थैंक यू वेरी मच। शो खत्म नहीं करे, कहीं ये ना समझे कि शो खत्म कर रहे हम कहीं तो ये बड़ा सिलसिला है। और अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताएं दर्शा, मतलब ये शोबिज का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, मतलब क्या ये तो शुरू का दौर जो है वो दौर तो ऐसा था कि उस दौर में तो शोबिज को अच्छा भी नहीं समझते थे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, शोबिज को अच्छा हकीकत है उस वक्त में नहीं समझते थे, लेकिन मेरा शौक एक्चुअली एक्टिंग का तो उस वक्त था भी नहीं, एक्टिंग का तो बस अचानक से कुछ हुआ इस तरह, लेकिन यह था कि मैं स्कूल कॉलेज के दौर से करती थी। मैं एक्चुअली कुल पाकिस्तानिया नात के मुकाबले में आई थी सिंध से सिलेक्ट होकर, क्योंकि मेरा ताल्लुक सक्कर से है, और पूरे सिंध से मैं सिलेक्ट होकर आई थी, और उस वक्त मरगूब अहमद सिद्दीकी साहब पीटीवी बड़े सीनियर, वो कुल पाकिस्तानी नात का मुकाबला होता था, तो उसमें मुझे एजाज हासिल है कि मैं सक्कर से मरा सिंध से मैं सिलेक्ट हुई थी। हाँ, अलबत्ता कराची में, यहाँ पे नहीं मैं कुछ विन कर सकी थी, लेकिन तो उसमें आई थी। फिर उस वक्त जब आए थे तो जाहिर है हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, उस वक्त कासिम जलाली साहब ये सीरियल और मिशी वगैरह ये लोग सब नए नए आए थे, हम इन देखते थे, तो एक शौक तो था ना अंदर से कॉलेज स्कूल का नाते पढ़ना है। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि शौक इस हवाले से नहीं कह रही, इस हवाले से कि मैं नातों से ड्रामों की तरफ आ गई ना, तो वो जरा एकदम जो जंप किया ना मैंने, एक तो नातों से स्टेप बाय स्टेप चला, बता कव्वाली शुरू कर दे, थोड़ा सा इसके बाद गाने शुरू कर थोड़ा मूड, जैसे जैसे हम जैसे मीडिया में हम अगर रेडियो पे होते हैं या उसमें होते हैं तो नात के बाद हम थोड़ा सा जो फिर वो कव्वाली पे आते हैं, कव्वाली के बाद फिर जो है वो सुफियाने कलाम पे आते हैं, उसके बाद फिर औकात में आ जाते हैं। सही है, तो लेकिन ये कि मैंने एकदम जंप किया, और मुझे जो शोबिस में लेकर आने का सारा क्रेडिट है वो जलाली साहब, कासिम जलाली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मेरे लिए दादा, तो भाई वो तो जगत दादा है, मतलब फील्ड के जगत दादा है। बिल्कुल, और मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मुझे इंट्रोड्यूस इसी इस फील्ड में उन्होंने ही कराया था, और मेरे वालिद साहब से भी परमिशन उन्होंने ली, और मैंने पहला बजिया का सीरियल और कासिम जलाली साहब के डायरेक्शन में किया था। गुड, जबरदस्त भाई। अब ये देखें कि अब आपको मतलब इस तरह देख करके भाई आप जो है, मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं कोई बाबा आदम के समान है, क्यों मैं इतनी पुरानी नहीं नहीं, असल में ये तो नहीं है, मगर मुझे अब जो ये देख कर वो ये वो हो रहा है कि थोड़ा सा सोच रहा हूँ मैं, ये सोच मुझे आ रही है कि जो हमारे सनाखा है वो भी पटरी ना बदलने, आपको सुनने के बाद तो फिर क्या बताया, सारे ड्रामे मैं नाते अभी भी पढ़ती हूँ, मैं मिलाद पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह, जी हाँ मैं नात पढ़ती हूँ। चले फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको हम अपने रमजान ट्रांसमिशन में आपको बुलाएंगे, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं खास तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में जाके मेरा मुझे खुशी होती है मैं अपना हिस्सा इसमें डालूं। ये तो अपनी इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने आपको हमें जिंदगी दी, तो इंशाल्लाह ताला फिर रमजान ट्रांसमिशन में आपको बुलाएंगे, फिर जो है कि दूसरी जो पुरानी दर्शा है
वो भी लोगों के सामने लोगों के हाँ लोगों के सामने लोग कहेंगे हाँ यार ये तो बात है। वैसे दरक्षा का रूप सिर्फ एक नहीं है, दरक्षा के बहुत सारे रूप हैं और वो रूप अभी खुलेंगे भी। ये तो अभी कहते हैं ना कि ये इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, अबे आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये आगे आगे देखिए क्या क्या होगा। और मैं अपने तमाम सुनने वाले बताऊं कि आप अगर कॉल करना चाहें तो हमें 111111100 पर हमें कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं बिल्कुल दरक्षा से। और ये जरा बाबर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, हमारी मेहमान को खुश आमदीद, गुड माशाल्लाह जी। और मैसी जो है वो भी कहते हैं कि गुड जी थैंक यू और मुबारक अलमास, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, बड़े पुराने दोस्त हैं, मुबारक अलमास। अच्छा। और क्राइम की जर्नलिस्ट के तो शहनशाह हैं ये। अच्छा। हाँ ये भाई। और ये कहते हैं शोभी भाई सहाफियों को भी याद रखें अपने प्रोग्राम में। यार मुबारक, मैंने वैसे सोचा हुआ है मैं कुछ सहाफी दोस्तों को बुलाऊंगा और अपने प्रोग्राम में कुछ सहाफत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सहाफत में भी बहुत सारे मसाइल हो गए पैदा, तो इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा। तो उसमें जब बुलाऊंगा, हाँ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को मैं बुलाते रहते हैं, वैसे अदबी जो शायर भी आते हैं, दूसरे बहुत सारे लोग आते हैं, बस नेक्स्ट तो में आपने इनको बुला लेना है बस। नेक्स्ट में तो इंशाल्लाह तो अल्लाह चाहा तो हो सकता है मे बी कि गुलाम अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हो। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम बुलाएंगे जरूर। और अफजल भुट्टो साहब भी हमारे बड़े मीडिया के पुराने दोस्त हैं, चैनल्स पर इससे पहले जो टीवी चैनल पर मैं था तो वो हमारे साथ साथ थे, तो अफजल भुट्टो साहब रेगुलर मुझे सुनते हैं और मेरे साथ मौजूद होते हैं। कहते हैं शोभी साहब आज दानियाल की ढोलकी हो रही है और आई एम इन इस्लामाबाद, कैन यू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम हिम फॉर हिम। और सर जरा ढोलकी बजाओ। अच्छा। है ना। हाँ। तो मैं यूं करेंगे, अगर ढोलकी का थोड़ा सा गाना है तो हम दरक्षा से सुनेंगे, कोई ढोलकी का गाना, ढोलकी का गाना, कोई भी ढोलकी का, यही वाला सुना देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, चले, कर देती हूं, चले, आप इसके हाँ, आगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? आगे नहीं, हम यही सुनेंगे जी। ठीक है, ये दानियाल आपके लिए आपकी ढोलकी पर, और मैं जरा ढोलकी बजाओ गोरी हो जी, जरा जरा ढोलकी बजाओ बजाओ रे ओ मेरे मेरे संग साओ रे ओ शर्मा ना लगा जरा जरा बजाओ बजाओ रे ओ ये खड़े खड़े धर्म की एक सजन 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 ये घड़े घड़े रंगी एक सजन 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 की। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, गुड जी। देखिए जी भुट्टो साहब देख लें, सारा टैलेंट मौजूद है। हम मैंने क्या कहा, मैंने इसलिए कहा था कि दरक्षा ताहिर जो हमारे साथ मौजूद है, ये एक दरक्षा नहीं है, इसके अंदर से बहुत सारी दरक्षाएं भी निकलेंगी। और ये अभी देखिए अभी कहते हैं वो धीरे धीरे। अच्छा आपने अचानक से बोल दिया ढोलकी का गाना, यही आता था हमने। नहीं तो अच्छा अच्छा मुझे तो याद आया ना अचानक। हाँ। तो अच्छा गाना मतलब ढोलकी के वाले बड़ा मशहूर गाना है, तो ये तो बिल्कुल हमने शामिल कर लिया और ढोलकी के लिए। और उसके साथ साथ जनाब हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं नोमान, आरजे नोमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आरजे नोमान को भी मैं वेलकम कहता हूँ। आरजे नोमान को जानती हैं आप जी? मेरा ख्याल है शायद जानती हूँ, बिल्कुल जानती हैं, कुछ ऐसा होता है, मैं बिल्कुल जानती होंगी, यकीनन जानती हूँ। आप मुझे यार, की बात है यार, नहीं मैं जानती होंगी, हमारे वलीहत को नहीं जानती हूँ यार। अबे यार आए कैसे हो नोमान, सॉरी। अच्छा मुझे पता है, ऐसा ना करें ना आप, तो आप तो आपने तो शर्मिंदा कर दिया मुझे लाइव। नहीं नहीं मैं बिल्कुल जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। कैसे हो, क्या हाल है, कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, बिल्कुल भला आपको कैसे नहीं जानेंगे भैया, हमें रहना है दुनिया में। अल्लाह आपको अल्लाह रखे। और उसके साथ साथ जो है वो भाई हमें जो है इस वक्त जो है वो जहांगीर खान साहब जो है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, सऊदीया में होते हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, और वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जहांगीर खान साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे जहांगीर भाई, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? यार कभी कॉल भी कर लें प्रोग्राम में, मजा आ जाएगा आपसे कुछ गुफ्तगू करके। आज अगर चाहें तो बेशक कर सकते हैं, 111111 नंबर कॉलिंग नंबर है, और अगर चाहें तो आप मेरे मोबाइल पर कॉल कर लें, मैं आपको ऑनलाइन ले लूँगा। ठीक है, और उसके साथ नसीरुद्दीन नसीर साहब जो है वो बड़े
अच्छे शायर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं वैसे तो, और जनाब सारा शहजाद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और अब्दुल रजाक खत्री साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप तमाम को खुशामदीद, वेलकम। और यूँ करते हैं कि 111111100 पर आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यूँ करता हूँ कि जब तक जो है वो मैं आपकी बात कराता हूँ, इस वक्त अपने एक और बहुत प्यारे से हमारे भाई हैं और हमारे सीनियर भी हैं, इसलिए कि वो जब हमारे सीनियर हैं तो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे जो है आपकी बात कराता हूँ। मैं भी कौन है अब ये, अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल शोभी कहते हैं मुझे, और इस वक्त जो है शहजाद रजा साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। सर मुझे अजमल शोभी लोग कहते हैं, आप नहीं कहते हैं, मैं आपका तो छोटा भाई हूँ। जी अरे जजाकल्ला जजाकल्ला। और शहजाद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं खैरियत से? अल्लाह का लाखों शुक्र, आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे। और मेरे साथ आज जो है दरशा ताहिर मौजूद है, आप जानते हैं एक मतलब जो बोलती क्या, मैं हंसती ज्यादा है। बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक है। आज तो भाई मैं आज तो सीनियर सीनियर लोगों से जो है ना शोभी मेरी बात करा रहे हैं, जबरदस्त भाई मजा आ रहा है। शहजाद रजा साहब तो खैर हमारे जी जी वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह वाह क्या खूबसूरत, जाते नहीं क्या बात, क्या वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया सर। जी जी सही, बहुत शुक्रिया सर। सही बड़ी बात है, सही कमिटमेंट की सही बात है। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आप खुश रहें। आप तो शहजाद रजा साहब तो हमारे मुल्क का, अभी हम जैसे बात करते हैं, बड़े असासों में से हैं भाई, एकेडमी है ये लोग हमारे बिशक, लिए बिशक, बिशक। और अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। आप खुद इतने अच्छे एक्टर हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कॉमेडी में हमने आपसे आप लोगों से सीखा है। और बस मतलब मेरे लिए तो आपके अल्फाज इतने बड़े कि यकीन करें, बस अब आप, मैं आगे आपसे यही कह सकती हूँ, पगले रुलाएगा क्या, कह रहे हैं मेरा जुमला से, यकीन करें मेरे आपको, मैं क्लियर अगर आप नोट करें मेरे, आपके अल्फाज मेरे लिए इतने बड़े अल्फाज। और मैं तो कहूंगा कि आपके लिए एकेडमी है, मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई हैं ये, अल्लाह। और बड़े भाई जो वो बाप की जगह है, तो ये किरण मेरे लिए तो ये बहुत उससे बड़ा दर्जा है इनका मेरे लिए। बेशक 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 बहुत बहुत जजाकल्लाह जजाकल्लाह। जी बिल्कुल, अभी इब्तिदा कर ली हमने सर, हमने इब्तिदा कर दी इसकी। अरे या खुद ही गाती थी और हाँ, हाँ, सलमा हाँ, आगा को भी गाया है, अभी सुन लेंगे, अभी भी सुन लेंगे, सलमा आगा को भी गाया है। हाँ अभी हमारे काफी दिनों से साथ नहीं, लेकिन वैसे हमने बहुत काम किया है शहजाद भाई। सही आमीन
वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं ऐसी ही रहूंगी इंशाल्लाह ताला, ऐसी ही रहूंगी। आप थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत अशरफ भाई, बस आमीन आमीन आमीन, बस आमीन, बस आपकी हमेशा जो है शहजाद भाई आपकी दुआएं चाहिए, बस आपकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ताला तमाम मेरे बारे में, इंशाल्लाह आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन, और आप बस हमेशा खुश रहें, जज़ाकअल्लाह, चल थैंक यू थैंक यू। आप यकीन शूट पर अभी हैं, हमने आपको डिस्टर्ब किया और इसके लिए भी माजत, चलो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, चलो सर थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। ये हमारे साथ मौजूद थे शहजाद रजा साहब, और शहजाद रजा साहब जो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, सब कुछ एक अच्छे आर्टिस्ट है, मगर मैंने वही कहा कि मेरे लिए बड़े भाई हैं, और बस जब भाई होते हैं तो फिर वो वहाँ वो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फिर भाई होता है। और शहजाद भाई तो वैसे भी जगत भाई हो गए ना, जगत भाई, जगत भाई, जगत भाई माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत अंदाज बड़ी। और अब हम थोड़े से मैसेज शामिल करते हैं, जहीर अहमद भुट्टो में हमें जुड़ने कहते हैं, क्या हाल है शोभी भाई, अल्लाह का लाख शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सजात खटक हमें ज्वाइन किया, कहते वेरी नाइस शो शोभी भाई, वेरी नाइस शो, थैंक यू जजाकल्ला। और उसके साथ साथ जो है जहीर अहमद भी हमें कहते हैं सलाम, और यूएसए से हमें जमाल सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जमाल भाई आपको खुश आमदी कहता हूँ, वो जल्दी से इसको शेयर करके आगे बढ़ा दें, बात आगे पहुंच जाए। मेहर नाज हमें ज्वाइन कर चुकी है, आबिस रजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको भी खुश आमदीद, मसूद गौरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं माशाल्लाह, और डीटी को सलाम जी। मसूद भाई वालेकुम अस्सलाम, जैसे ही नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मसूद भाई तो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, और मेरे दुश्मन हैं। और आबिस रजा भी हमारे अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, और मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, बिल्कुल। और अब तो भाई आबिस, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है किसी दिन जो आप अपनी टीम के साथ आए, क्योंकि ताकि हम भी कह सकें आबिस मान जाओ ना, मान जाओ ना। नहीं आबिस बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, और बहुत कम उम्र में जो है जिसे कहना चाहिए ना, आबिद ने अपनी जगह अपना मुकाम बनाया, बेशक बेशक बेशक। आबिस हमारे लिए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। और उसके साथ साथ जो है जनाब इरफान सागर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे कौमी अखबार में होते हैं, और कहते हैं दरख्शां की मोहब्बत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनकी इनके नाम से कराची में थाना दरख्शां थाना, ओए होए ओए होए यार, डरो भाई इरफान, ये तुम कहाँ ले गए यार, अबे बड़ी दूर की निकाल के लाए भाई, बड़ी दूर की दरख्शां थाना में पहुंचा दिया तुमने यार, क्या बात है, गुड भाई, गुड भाई, मौका को खुश हुआ आपने, शुक्र है थोड़ा सा जरा मेरा रोब रख दिया यहाँ पर, डरे भाई डरे। और इरफान सागर कहते हैं मुबारक अलमाज जिंदाबाद भाई, ये क्या मतलब, यहाँ कोई इलेक्शन हो रहे हैं क्या आप, जिंदाबाद। फैजान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं माशाल्लाह, और पतरस मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आपकी और गेस्ट की लुकिंग बहुत अच्छी है सर, थैंक यू जी, थैंक यू, वाजी वाह, और जी गुड गुड, किसी ने हमारी लुकिंग पे भी और किया, नहीं नहीं वो ये सब हम मोहब्बत करते हैं, और कहते हैं मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और सरदार अब्दुल मजीद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं सलाम का जवाब तो दो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, जब बात वहां तक पहुंचेगी तो जरूर देंगे जवाब जी। और जनाब उसके बाद कहते हैं दुआएं दरकार हैं, जजाकल्ला हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और उसके बाद फिर आबिस कहते हैं, और जनाब उसके बाद नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते शोभी भाई डूइंग नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में हम लाइव कॉल का सिलसिला जो मैंने बताया कि लाइव कॉल भी हमारा हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे, और लाइव कॉल में आप किसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, 111111100 पर आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर मैं सोच रहा हूँ कि जब तक जो है वो थोड़ा सा हम एक और मेहमान की तरफ भी चलें, क्या ख्याल आपका, है ना, चलें, मैं सोच रहा हूँ आप मुझ पे सारे बम फोड़ रहे हैं, सारे सीनियर लोग, अभी देखे शहजाद भाई भी कह रहे थे कि दरख्शां है, और मैंने काफी टाइम हो गया, मैंने शहजाद भी ने वाकई शहजाद भाई क्यों ऐसा हुआ है, हम लोगों ने अभी काफी टाइम से काम नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे बम मेरे पास है जो मैं आज फोड़ने के चक्कर में हूँ,
और वो बम फोड़ने के लिए जो है वो बस मैं इसी चक्कर में था कि आप आए तो ये बम फूटे कहीं से, तो अब मैं इन बमों को फोड़ने के लिए मैं इस वक्त तैयार हो चुका हूँ। और क्योंकि दरक्षा हमारे साथ मौजूद हैं, और जब दरक्षा मौजूद है तो दरक्षा के हवाले से कुछ मैं सोच रहा हूँ कि दरक्षा से बात करने की बजाय उन सीनियर लोगों से बात की जाए जो जिनके साथ दरक्षा ने काम किया, जिनसे दरक्षा का ताल्लुक रहा है, तो वो ताकि वो कहते हैं उनका एक जुमला भी जो है वो बड़ा जानदार जुमला होगा। काम तो बहुत सारे सीनियर्स के साथ किया है, लेकिन आप किस किस को ढूंढेंगे मेरे लिए? मैं अब जहाँ तक मेरी पहुंच है, जहाँ तक मेरी अपने वो सर्च इंजन है, मैं उसके जरिए पर पहुंच रहा हूँ, और जहाँ तक पहुंचते देखते हैं। अब ये कि वो जहाँ तक मेरा सर्च इंजन पहुंच रहे हैं वो फोन उठा ले जब है बात। और मैं असल में इस वक्त जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं बता दूं आपको कि अमजद अली शाह साहब से बात करना चाह रहा हूँ मैं, अगर फोन उठा लें तो शाह साहब से फिर जो है वो थोड़ी सी, अब शाह साहब फोन उठा लें तो बैले तो जा रही हैं, और जो है वो शाह साहब ने फोन उठा लिया है तो नहीं, शाह साहब ने फोन उठाया नहीं, या तो वो सो गए या कहीं बिजी होंगे किसी उसमें। तो मैं यूं करता हूँ कि उसके बाद जो है गजाला जावेद को हम फोन करते हैं। गजाला जावेद जो है वो गजाला आपा, तो क्या बात है, गजाला आपा को कई बार बस हम बुलाने के लिए कह चुके हैं, मगर बस वो कभी बेचारी शूट होती है, कभी कुछ। हाँ, तो जाहिर सी बात है, असल में सुबह शूट होती है ना जल्दी अक्सर, तो इसलिए। लेकिन मैं बड़ी बहुत इम्प्रेस हुई इस चीज से कि वाकई इतनी रात होती है लेकिन शो देखने वाले माशाल्लाह देख रहे होते हैं। और बिल्कुल जनाब हमारे साथ मौजूद है और गजाला आपा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गजाला आपा अस्सलाम वालेकुम, अजमल शो भी कहते हैं मुझे, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अचानक आपने कैसे फोन कर लिया? मैंने असल में अचानक इसलिए ये बम फोड़ा है आपा मैंने कि मेरे साथ प्रोग्राम में ना वो दरक्षा ताहिर बैठी हुई है। अरे आप कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम आपा, मेरी जान कैसी है आप? आज तो ये बम पे बम फोड़ रहे हैं, कसम खुदा की आप सही कह रही हैं कि आपको तो कुछ भी नहीं पता, अचानक आज ये बम फोड़ रहे हैं। कैसी हैं आपा, ठीक हैं? नहीं नहीं, मेरे बच्चों से मेरी बात हो रही है, ये बम फोड़ना। और क्या और क्या, मैंने कहा मैंने अचानक आपा से अचानक बात की जाए। गजाला जावेद तो माशाल्लाह हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है और इतनी प्यारी आर्टिस्ट है, माशाल्लाह बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। बेशक बेशक बेशक, हमारे साथ तो दुआएं होंगी, बस दुआएं, बाकी तो सब कुछ दुनिया के कहते हैं साथ ही रह जाते हैं। बेशक बेशक, बेशक इसमें कोई शक नहीं। देखिए आप आज मैं इस वक्त इनके शो में बैठी हुई हूँ, आप अंदाजा करें। जी जी जी, मेरे पास लाइव शो में बैठी है इस वक्त। ये बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपा, अच्छा आपा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये मतलब ये बोलती कम हंसती ज्यादा, ये क्यों ऐसा, इसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है? आपा ने क्या बात मार दी, कसम देख ले, ये मुझे इतना अंदर से जानती है, अब इससे अंदाजा करें। बिल्कुल बड़ी गहरी बात कही आपा ने, ये मुझे जानती बहुत ज्यादा है। जिस इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारा उसको सफर करना पड़ता है, तो वो कोशिश करता है कि हमारे दुख जो है ना हमारे साथ ही रहे। सही बात है, पहले कहते थे दुख के साथ ही, लेकिन आजकल जो है ना अगर दुख बता दिए जाए तो साथ ही चले जाते हैं। बेशक बिल्कुल सही कहा, आज की दुनिया में लोग वो नहीं है, अब वो लोग नहीं है कि जो आपके दुख के साथ ही हो, तो सिर्फ बिल्कुल, तो इसलिए दुख संभाल के रखने पड़ते हैं और खुशियां बांटनी पड़ती हैं। आपा आपने क्या बात कर दी, सांस बदली मैंने, बड़ी इसलिए खुश रहती है और इसलिए हंसती रहती है ताकि किसी को पता ना चले कि इसको इतने दुख है, वो इसको छोड़ ना दे। क्या बात है, ताकि ये पूरा जो एक ही इसके गिर जो आपने तो ऐसी बात कर दी कि मैं तो स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके आगे, क्योंकि आप मुझे इतना अंदर से जानती हैं, आपसे ज्यादा मुझे कौन जानता है। सही बात है, और इन्होंने तो आज हकीकत में ऐसे ऐसे लोग अचानक से ले आए कि मतलब शहजाद भाई से बात हो गई, शहजाद रजा भाई से, आपसे भी बात करा दी, और बस यही है। लेकिन आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपने हमेशा बहुत अच्छी बातें समझाई, अच्छा सपोर्ट किया, हमेशा बहुत सपोर्टिव रही हैं आप मेरे लिए, और अल्लाह ताला आपका साया हम लोगों पे हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह ताला तुम लोगों का भी जो है ना एक अंग्रेजी का सफर जो है ना आमीन। अच्छा आप इनको ना ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, बच्चे करे तुम्हारी बेटी के नसीब आए, आमीन आमीन। जितनी दुनिया सुन रही है उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला दुआ करे कि अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां निकाले। आमीन आमीन। आपा वैसे एक बात सिर्फ इनको बता दें, ये मुझसे अभी बहस करते, छोड़ो दरक्षा तुम एक्टर एक्टर तो हो नहीं, एक्टिंग तुम्हें आती नहीं है, तुम बात करती हो खामखा। आपा मैं एक्टिंग नहीं करती, क्या बात कर दी इन्होंने, देखें जरा बात सुनो,
एक्टिंग जो है ना हम लोग ड्रामा में भी करते हैं, लेकिन स्टेज पे निकलना और भी मुश्किल काम होता है। हर तरह की कर दिया बेटा उसने। वेरी गुड। सही बात है, सही बात है, ये तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी कुलीग है, मैं इसको खुश रखती। आमीन आमीन। अच्छा आपा बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। एक इसके साथ मुझे है जी, किसी शिक्षक में। हाँ जरूर जरूर, ऑनियर बोले ऑनियर। मेरा इतना प्यार है ना, आपा मेरा इतना प्यार है, आप यकीन करें कि मैं कुछ प्रोग्राम अभी ऐसे सोच रही थी अपने करने, तो आप कसम खा के मैं आपको बोलती हूँ, आपसे तो मेरी बड़े अरसे बाद अभी अचानक ही बात हुई है ना, आप यकीन करें, आप रुबीना अपी से, रुबीना आरिफ से या जलाल भाई से पूछिएगा। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा यार मुझे गजाला आपको भी कभी बुलाना, मैं चाह रही हूँ मैं आप कोई प्रोग्राम रखूँ अपने घर के नीचे रखूँ इधर, ताकि यहाँ पर पूरा लगा के ना एक पूरा इवेंट करूँ, ताकि आपा आ सके मेरे घर। अब इससे अंदाजा करें इतना मेरा दिल होता है कि ये आए, लेकिन ये फोर्थ फ्लोर है मेरा और क्योंकि लिफ्ट नहीं है भाई, तो इसलिए याद ही। आपा बस आप दुआ करें, मैं बस अल्लाह ताला मुझे इस काबिल रखे कि बस मैं जल्दी। आमीन आमीन, अल्लाह ताला तुम्हारी जान बचाए। आमीन, लव यू आपा, ढेर सारा ढेर सारा। अच्छा आपा किसी दिन रात को थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें। और आप यकीन करें आपा से मुझे कितनी बार बात हुई इसके बारे में ना, भाई आ ही जाए कसम से, बड़ा मजा आता है इनके प्रोग्राम में, बड़ा मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है कसम से। मैं जरूर आऊंगी, अभी मेरे लिए दुआ करना, मैं उम्रे पे जा रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस हमें भी जरूर दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही आपकी हमारी, दुआ नाम लेके याद करना है, बरीका के लिए और हमारे लिए। ठीक है बस आपा, जब आप वहाँ जाएंगे तो ये नंबर यही गालिबन होगा, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो बस वो मेरे पेरेंट्स की जो है मगफरत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि अम्मी का इंतकाल अभी जो है वो एक डेढ़ साल हुआ, अभी अम्मी का इंतकाल हुआ अभी, तो पहले हम यतीम थे, पहले हम यतीम थे, मस्किन भी हो गए। नहीं बेशक बेशक, नहीं बेशक बेशक, ये सब ये मेरे वालदैन की तरबियत है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आप सब इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं, यूँ उन्हीं की तरबियत है, वरना मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, बस उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, बस 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबा जरूर, आप जरूर अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा आपा, इंशाल्लाह ताला से अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जरूर इंशाल्लाह। आमीन जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला कबूल करे, जरूर जरूर। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके आपका शुक्रिया, मुझे खांसी का पता लग गया। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह लव यू आपा, लव यू। गला खुश्क हो गया, पानी नहीं पिलाया, इतना बुलवाया इन्होंने। अभी पिलवाते पानी, आपको पानी भी और चाय भी। ओके थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खैर से जाए, खैर से आए, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ मौजूद थी गजाला जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थी और हम बिल्कुल हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी सी हमारी सीनियर आर्टिस्ट, हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारी, बड़ी है, बिल्कुल बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती। आपा से कई बार मेरा जिक्र हुआ है प्रोग्राम के हवाले से, मगर कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी शूट, कभी कुछ, तो बहरहाल जिस दिन आपा इस प्रोग्राम में आ गई ना, तो दुनिया को हिला देंगी वो, मैं आपको बता दूँ, माशाल्लाह वो इतनी लविंग है, नहीं नहीं इसमें कोई शक नहीं, आपा बहुत माशाल्लाह। फैसल मानी इस वक्त हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कहते अजमल शोभी भाई यू आर वन ऑफ द बेस्ट आरजे, थैंक यू भाई। मैं आरजे नहीं हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, आई एम ए ब्रॉडकास्टर, और मैं आरजे नौमान है भाई। और बाबर शाह बुखारी हमारा, ये हमारा बहुत प्यारा सा भाई है जो हमारे साथ पहले एफएम मंडी पे होता था और अब अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो चुका है ये। तो बाबर शाह बुखारी इस वक्त यूके में हमें देख रहे हैं और कहते हैं अल्लाह पाक आपकी वालदा की मगफरत फरमाए, आमीन आमीन जजाकल्ला। और बाबर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, शोभी भाई मैं मैडम को इतना नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि हमारे शोभी भाई के मेहमान आप, ये हमारे शोभी भाई की मेहमान हैं। चले जी आप इतना भी जानते भी बड़ी बात है, और शोभी के मेहमान हैं तो जाहिर सी बात है, और आज के बाद आप मुझे जान जाएंगे, बिल्कुल जान जाएंगे। जो नहीं जानते वैसे कहते हैं आप जान जाएंगे बिल्कुल। और उसके साथ सैयद फरहान अली, ये भी हमारा बहुत प्यारा सा भाई है और ये भी जो है वो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कहते हैं प्लीज ऑल्सो पे माई सलाम टू योर गेस्ट, तो भाई। और उसके साथ साथ जो है फिर जनाब बहुत सारे लियाकत राजर भी हमें देख रहे हैं,
तो बहुत शुक्रिया। शुएब सुल्तान खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। शुएब सुल्तान थैंक यू वेरी मच भाई, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और इस तरह वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन तमाम को जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ एक बार फिर। और तो क्या ख्याल, थोड़ा सा पूछा आपसे, गाना वाना सुनना चाहिए मैंने थोड़ा गाना सा। आप पहले पानी पिलवाएं भाई, पानी में हाँ। आप जब तक गाने गाए, मैं जब पानी, बल्कि मैं पानी मैं मंगवाता भी हूँ, बल्कि मैं खुद भी ले पी के भी आता हूँ। अच्छा, जब तक मैं खुद ही बातें करती रहती, आप खुद ही करें, यहाँ तो खुद ही बातें। हम तो वो कहते हैं कि हम इस शीशे के घर में, मतलब शीशा हमारे सामने लगा हुआ, वैसे सारे शीशे नहीं है, तो इसमें हम अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं। सही बात है, अकेले बैठ के अचानक भी देखेगा क्या, अब यार पागल हो गया था, खुद ही बोले जा रहे बैठ के। अच्छा, बाद में आदत, घर में बैठ के अकेले आदत हो जाती होगी ना। अच्छा, नहीं मुझे नहीं, मुझे कोई आदत नहीं हुई है। मुझे कोई भी, अल्लाह की शुक्र है, वो घर में तो बेगम की सुनते रहते, अपनी नहीं सुनाते। हाँ सही है, ठीक है। तो मैं आप जब तक जो है, आप जब तक मिले दर्शा से, जीटी से मिले, और जब तक जो है मिस्टर मैक्स होकर आते हैं। हाँ, आप जाइए और अब जरा मेरे हवाले कर दीजिए लोगों को। और मेरा नाम डीटी जो आप जाते जाते कह गए, ये मैं बता तो दूं लोगों को कि भाई देखें, दरक्षा ताहिर मेरा नाम है और डीटी मुझे जो है, मेरे बहुत करीबी लोग, मेरे साथी, मेरे शोबिस के पुराने साथी जो हैं, वो मुझे डीटी बोलते हैं। डीफो दरक्षा, टीफो ताहिर, ताहिर मेरे वालिद साहब का नाम है, तो इसलिए मैं डीटी मशहूर हो गई हूँ। और डीटी नाम मेरा रखा था इकबाल लतीफ साहब, हमारे बड़े सीनियर डायरेक्टर पीटीवी के, उन्होंने। खैर एनी हाउ, तो ये है कि सच्ची बात है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आज, और इतना टाइम भी गुजर गया। मैं ये सोच रही थी कि मैं शोबी से कही थी, यार मैं शो में आऊंगी, इतनी देर बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तो मुझे इतनी सारी बातें करनी है आप लोगों से, उन लोगों से जो मुझे जानते हैं, उन लोगों से भी जो मुझे नहीं जानते। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो नहीं जानते, जैसे कि अभी एक साहब जो है, मैं नाम भूल गई हूँ, मैसेज किया उन्होंने कि इन मैडम को इतना नहीं जानता, तो वो भी जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं दरक्षा ताहिर हूँ, छोटी सी एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, और बाकी इन लोगों का प्यार है जो भी है। तो बस हम लोगों को वैसे भी आपका प्यार, आप लोगों की मोहब्बत जो है वो हम लोगों को चला रही होती है, वरना तो जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हंस बोल के गुजार ले। जैसे कि आपने गजाला, आप हमारी बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो आप कभी उनसे इंशाल्लाह शोबी के प्रोग्राम में ही मिलेंगे, तो आप यकीनन उन्हें पहचान जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि हंसती बहुत है बोलने से ज्यादा, मैं बोलती भी बहुत, देखे ना अभी बैठी भी बोल रही हूँ, और मैं हंसती तो खैर अपनी जगह। तो उन्होंने क्या बात की कि बहुत सारे गम भी इंसान छुपा रहा होता है, तो वो जरूरी नहीं है। क्योंकि एक चीज मैंने अपने जिंदगी के तजुर्बे से सीखी है, और वो ये है कि हंसते हुए के साथी तो सब होते हैं, रोते हुए का साथी कोई नहीं होता। तो मैंने इस अपनी जिंदगी के तजुर्बे में ये सीख के ये तय कर लिया है कि क्यों ना हंस के जिंदगी गुजारी जाए, बजाय इसके कि आप रोए और लोग भी उसको पसंद ना करें, तो आप हंस के जिंदगी गुजारे। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि हंसते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। और आप लोगों से भी कहूंगी कि देखिए, जिंदगी के अंदर दुख, खुशियां, गम सब आते जाते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक आपकी जात से किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, और दूसरे ये कोशिश करें कि आप खुश रहें, खुश रखें अपने आप को। जिंदगी आपकी, आपने जीना है, खुश रहें, और लोगों की परवाही मत करें। लोगों का काम है जलना, वो एक गाना भी ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या है कहना, ऐसी कुछ है पता नहीं। अब तो शोभी भी आ गए टहल टहल के, कहाँ चले गए भाई, पानी रख रहे हैं ये मेरे लिए, कभी चाय भी रख दी इन्होंने भाई, जबरदस्त काम कर दिया। देखें शो हवाले करके चले गए, बस दरक्षा बोल रही है और सुन रहे हैं लोग। तो मेरा खुद रेडियो से ताल्लुक रहा है, एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, तो इस वजह से मुझे माइक पे बोलने में या आपके साथ बात करने में कोई इतना मसला नहीं हो रहा। बस फर्क इतना हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ बाकायदा देख के। और उस वक्त ऐसा होता था कि वाकई जैसे इन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ बस बैठे होते थे शीशे के एक कमरे में, उस तरफ ऑपरेट करने के लिए एक बैठे होते थे हमारे रेडियो पे साहब, पहले जब मैं करती थी रेडियो, वो उसको ऑपरेट कर रहे होते थे, हम अपना बोले चले जा रहे थे, फला फला एक खत आया, वो जवाब दे दिया, फला ये गाना सुनने को कहा। लेकिन बाहर मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं भी यही बता रही थी लोगों को, आप जब मेरे लिए पानी ढूंढते फिर नहीं, मैं असल में वो इसलिए कि पानी बाहर भी था और चाय भी रख के गए थे वो। अच्छा, मैं नीचे गया तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो इसलिए मैंने ये सब काम खुद कर लिया। बहुत अच्छा, मैंने ये सारे काम इसलिए खुद कर लिए, ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। और इसमें असल में चाय भी थोड़ी सी बड़ी ठंडी भी हो गई है, मगर कोई बात नहीं, वो सर्दी में ठंडी सही है।
ठंडी। अच्छा, ये अपनी तरफ से तय कर लिया, सर्दी में ठंडी चाहिए, सही बात जी, है। और हमें जो है उसके साथ साथ जो है वो हुमा शुएब भी हमें देख रही है। जानती हुमा शुएब, तरफा जबी, हुमा शुएब, बहुत सारे नाम है, टीवी आर्टिस्ट है, और फेस हो सकता है, जानती होंगी। तो ये देखेंगे। अच्छा, हाँ, इनके साथ मेरे साथ इन्होंने एक दो प्ले में काम भी किया है, और उसके साथ साथ जो है फिर यास्मीन चाची हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और उसके बाद फिर सलमा जफर को जानती हैं। सलमा आपा को कौन नहीं जानता भाई, सलमा आगा दी ग्रेट। सलमा आपा तो मुझे कहती है दरक्षा तुझे सिंगर होना चाहिए, तो आपा देखिए मैं आज लाइव बता रही हूँ, तुझे एक्टर से ज्यादा सिंगर होना चाहिए। और आपा मैं देख रही हूँ इस वक्त, आप ही आपा देख रही है। आपा सलाम वालेकुम, मैं आपको वैसे सलाम कर रही हूँ डायरेक्ट लाइव, देखे आपका नाम सुनते आपको कौन नहीं जानता। आपा तो बहुत प्यारी है और हमेशा बहुत प्यार से मुझे इन्होंने हर चीज समझाई है, और मुझे कहती हैं ये अक्सर के तुम बकायदा अपनी सिंगिंग को फोकस करो, जो कि मैं कर नहीं पाती, आप माफ भी कर दे मुझे बस। वैसे और उसके साथ साथ वैसे आप हकीकत ये है कि, और फिर सीनियर लोग हमारे साथ कहते हैं जब हमारे साथ ही हो ना जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सीनियर की सोबत में बैठना तो यूँ समझ लें कि हमने आधा काम तो वैसे सीख लिया, सही बात। वैसे सीख जाती है उनकी गुफ्तगू से, उनके उनकी बातों के अंदाज से, उनके एक्शन से, वो तमाम चीज हमारे समझ में आ जाती है कि क्या करना चाहिए। बहुत कुछ समझाते हैं हमें वो, पता है, और बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। और आपा का तो खैर वैसे हमारा बहुत साथ रहा है बहरहाल, खैर, लेकिन ये कि जिंदगी है, सीखने का नाम है, सारी जिंदगी सीखते हैं आप किसी ना किसी से। आज आपके पास बैठ के जा रही हूँ, यहाँ से पता नहीं क्या कुछ सीख के जा रही हूँ मैं। देखिए कुछ नहीं तो बोलना सीख लिया, आप कहते हंसे जा रही है, आप देख रहे हैं कितना बोल रही हूँ मैं, आप देखे मुस्तकिल किसी लम्हे में चुप हुई हूँ। नहीं, आप चुप हो भी नहीं सकती। नहीं हो सकती ना, क्यों भला बताएं। और आपको होना, चुप होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है ना, आप चुप होना चाहिए, क्योंकि मैं अब आपकी बात जो है वो अपने एक और सीनियर बंदे से करवाने वाला हूँ। अच्छा, कौन है खुदा के लिए मुझे बता। अब एक और सीनियर बंदे से गुफ्तगू करवाने वालों में, हाँ। वो सीनियर देखें, अल्लाह करे वो फोन उठा लेंगे, जागे रहूंगी, ये इतनी जल्दी सोते नहीं है ये। अच्छा, और बड़े बहुत नाइस पर्सन है ये, अगर फोन उठा ले तो नाइस है, वरना नाइस नहीं। अच्छा, उठाना चाहिए उनको फोन मेरे ख्याल में, क्योंकि वैसे दो बज चुके हैं। और अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, मुझे अजमल शोभी कहते हैं लोग। सर मैंने आपको डिस्टर्ब, सोते नहीं रहे थे, सोने की तैयारी थी बस। हाँ, मुझे नजर आ रहा सर, और इस वक्त मैं जो है लाइव बैठा हूँ नवीद भाई, और रेडियो पर, और मेरे साथ डीटी मौजूद है, दरक्षा ताहिर बोले पूरा। वो खुद ही बोल रही है, वो चुप नहीं होना जा रहा, वो खुद ही बोलने जा रही है। तो मैं तो इस वक्त जो है मैं आपसे हम ऑन एयर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है नवीद भाई जी। तो इस वक्त जो है जी नवीद जाफरी हमारे साथ मौजूद है, और जी नवीद भाई, सलामुअलैकुम, कैसे हैं नवीद, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये है कि मैं दरअसल लाइव को लाइव देख रहा था, अरे हाय, लाइव टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, क्या और क्या बात है, क्या बात है भाई हमारी। और स्टार्टिंग किया ही आपके साथ था, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं नवीद जाफरी हमारे शो भी, और तनवीर फातिमा भी है जिसकी बात बता रहे, जियो पर अभी चल रहा है मेरा, कह रहे लाइव देख रहा हूँ, वो हमने स्टार्ट ही अच्छा, के साथ। आप मतलब उधर तनवीर फातिमा बीए चल रहा है, और इधर फेसबुक पर FM 100 शो भी का प्रोग्राम चल रहा है। हाँ देखिए सर, लाइव वीडियो, यहाँ भी लाइव वीडियो है, देख ले सर। और नवीद कैसे हैं, ठीक है यार, बड़ा मजा आया ये आज शोभी ने आपसे भी बात करा दी, काफी काफी टाइम हो गया बात ही नहीं करना, मतलब हो नहीं पाती है आपसे, जब से मैंने इनके साथ काम किया है, और मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर भी है इसके साथ, इंसान बहुत अच्छा है नवीद, जो बात है इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी भी, बहुत अच्छे इंसान है, और कभी कभी मेरी भी कभी कभी गुफ्तगू होती है खास, मगर फेसबुक पे लाइक तो चल रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, बस सर आप अच्छा मुझे थोड़ा तनवीर भाई ये बताएं कि ये जो है नवीद भाई ये बताएं कि ये मतलब कैसी ये अदाकारा कैसी है, एक्टर कैसी है ये, एक वो एक्टर होता है कि जिसके पीछे मत्था पूरा खराब करना पड़ता है, एक होता है कि बहुत आसानी से डायरेक्टर की इशारों को समझ लेता है। नहीं, इशारों को समझ जाती हूँ, ये
फर्स्ट टाइम सुन पा रहा है, मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग न जाने क्यों मतलब एक छाप जैसे लग जाते हैं। सही बात है, कॉमेडी रोल रखे जाती है तो बस उससे चले जाने, लेकिन आप इनके दिबास के ड्रामे देखिए, सही बात है। ये तो एक्टर के साथ साथ तो पता नहीं किया गया, मैंने तो लोगों को अपने लिसनर्स को शुरू में ये कहा, मैंने कहा आप सिर्फ एक दर्शन ताहिर को देख रहे हैं, मगर ये एक नहीं है, ये मजमुआ है दर्शन ताहिर का। सही, बिल्कुल सही कह देना, दूसरे लफ्जों में स्ट्रगल बहुत की है और कर रही है अभी भी। वैसे नवेद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और तनवीर फातिमा के बाद ये अलग बात है कि नवेद ने मुझे बुलाया नहीं अभी तक। भाई ये क्या बात है नवेद, ये ज्यादती है, मैं लाइव बोल रही हूँ। तनवीर फातिमा भी बहुत अच्छा काम किया आपने। अब इसके बाद इन्होंने कहा ब्रेस्ट करो। सही बात है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप, मैं भी आपसे मजाक ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह जरूर करेंगे, बल्कि अभी एक करते करते रुक भी गए थे हम, मैं उसमें मेरे ख्याल में मुझे शायद मुल्क से कहीं बाहर जाना था और वो मैं नहीं कर सकी थी, मेरी डेट नहीं हुई थी, वो था आपने शायद किया था गोल्ड ब्रिज का कोई, हाँ बस उसी के अंदर कोई शुरू में जब मेरे लिए एक उसमें मुझसे। अच्छा नवीद भाई, मेरा नाम अजमल शोभी है और तो मेरा नाम भी लिख लीजिएगा कहीं ना किसी। इनका तो जरूर नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि इनको लोग ताकि ड्रामों में भी देखने लगे, अब इतने बड़ा ड्रामा करते हैं, देखे जरा बैठे हुए सामने, इनको कौन नहीं जानता मुझे बताएं। ये बिल्कुल, अरे भाई ये तो मैं कहती हूँ हमसे ज्यादा मशहूर है। नहीं थैंक यू, बस आप सबकी मोहब्बतें हैं, ये सारी असल में मोहब्बतों की बात है कि बस बिल्कुल 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 नो डाउट, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज की इतनी खुशी हो रही है कि मुझे बड़े बड़े पुराने लोगों से बात करा दी, और आज पता है मेरी नवीद जाफरी साहब से भी बड़े अरसे के बाद बात हुई है, आपको पता है मैं बहुत टाइम, देख ली इतफाक। देखिये ये कभी कभी ऐसे अचानक होते हैं, इंसान क्या सोच रहा है और क्या हो जाता है पता नहीं होता, देखें कि उधर तनवीर फातिमा चल रहा है आपका और इधर से दर्शा की बात भी हो रही है, सही बात है, क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छी। नवीद भाई इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको भी कभी बुलाएंगे, मैं प्रोग्राम में बुलाऊंगा, कुछ आपसे भी कुछ आपके हवाले से भी बात की जाएगी, इंशाल्लाह करेंगे कभी जरूर इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू, जजाकल्ला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप अपना आमीन 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 इन बस हमेशा दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं से ही आज इतना माशाल्लाह, तो बरीका भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, नवेद सही कह रहे हैं, छोटे से देखते आ रहे हैं जाहिर है ये लोग माशाल्लाह से, तो बस दुआ में याद रखिएगा आपने। थैंक यू नवीद भाई, थैंक यू जी, और एक बार फिर आपसे माजरत भी है, इतनी रात को आपका दरवाजा हमने खुटखुटाया, तो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही सही, चलिए ओके, थैंक यू नवीद भाई, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी नवीद जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद जाफरी साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और बहुत ही माशाल्लाह कोना मश्क और बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे सीरियल और ड्रामे जो इनके क्रेडिट पर हैं, और ड्यूटी के हवाले से, दर्शन ताहिर के हवाले से मैंने सोचा कि आज कुछ लोगों से बात की जाए, तो मैं जो है वो आप सबसे बात कर भी रहा हूँ और आप सबसे बात हो भी रही हमारी, और वक्त जो है वो 2:07 हो चुके हैं भाई, मैं वही तो अभी बता रही थी, आप नहीं थे ना, तो मैं लोगों से बात कर रही थी और मैं उनको बता रही थी कि जब मैं आई थी मैं सोचती थी अल्लाह किस तरह क्या बोलूंगी इतनी देर में बैठ के, मैं वही बात करती, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, ये क्या बात हुई भाई जी, हमारे पास फरमाइश आई है और सलमापा की फरमाइश है कि डी टी से गाना से नौश हो भी मुझे। अच्छा सलमापा ने, वाह सलमापा, अब ये भी बता दें कौन सा गाना है।
अब गाना तो भाई आप अपनी मर्जी सुना सकती हो, और उसके साथ साथ हमें एक और जो हमारी बड़ी अच्छी प्यारी सी अदाकारा टीवी आर्टिस्ट हमें देख रही है, अंबर अरशद हमें देख रही है। अच्छा अंबर, कैसी हो अंबर? माशाल्लाह अंबर बहुत अच्छी है। अंबर भी देख रही है, कह रही है हाय शोभी भाई एंड डीटी, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बिल्कुल गुड गुड एंड गार्डन गार्डन। गार्डन गार्डन, ये मैं आप तुम्हारे मैसेज से और भी दिल गार्डन गार्डन। हाँ दिल, और दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा जी, उसके साथ जो है फिर कहती हैं सलमाबा, कहती हैं कि एक्ट्रेस ठीक है, सिंगर एक्सीलेंट है। मैंने आपको क्या कहा था, सिंगर एक्सीलेंट कहती है मुझे अक्सर, सिंगर तू ना बस सिर्फ छोड़ दे एक्टिंग। सही बात है बिल्कुल। और ये कहती हैं उसके बाद सलमाबा कहती हैं कि कंप्लीट पैकेज है ये। अरे अल्लाह, आई लव यू सलमाबा, आई लव यू। फिर यूं करो सलमाबा को गाना सुना दो, वरना तो भाई मैं तो मतलब सलमाबा का कहना नहीं टाल सकता मैं। देखिए सलमाबा अपना आपा जो है ना वो पंजाबी सॉन्ग मुझसे अक्सर सुनती थी, उनको आपा को याद भी होगा। तो अब वो थोड़ा सा है स्लो सॉन्ग है, लेकिन अब अगर आपने फरमाइश की है तो मैं सुनाती हूँ। मैंने अपने गाया था मेरे दिल दे शीशे विच सजना जी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सज दिए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सज दिए तस्वीर तेरी, तेनु रब ने बनाया मेरे लिए, वे मैं अजला तो जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, तेनु महरम दिल दा सुना है। और सलमा आपा को ये गाना जो है ना, जब मैं पहले गाती थी ना तो मैं एक बात बताऊं, सलमा आपा ने मुझे कहा कि दीदी ये पंजाबी सॉन्ग है, तुमने कैसे गाया इसको? तो मैंने इनको कहा था कि आपा मैंने सुन के गाया, तो उन्होंने कहा था अगर समझ के भी गाओगी ना तुम्हारे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे। तो मुझे उन्होंने इसके मीनिंग्स बताए थे। अच्छा, ये बात पता है, हकीकत भी है कि हम जब कोई अब देखे ना, जैसे आप एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग क्या चीज है? बिल्कुल, मतलब एक्टिंग वो है कि आप उस कैरेक्टर में डूब के आप अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल देते हैं। बिल्कुल सही, तो वो फीलिंग है। अब गाने के लिए या बोलने के लिए जब तक कि आप जो बोल रहे हैं वो उसको फील नहीं करेंगे तो उसके एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकते। सही, आपकी आवाज में वो आपके एक्सप्रेशन को आ ही नहीं सकते जब तक फील ना करें। नकल चोर हूँ ना, तो वो नकले कर करके सुनती गई और गाती गई, तो अब समझ आती नहीं थी। तो फिर आपने मुझे इसके बताए थे मेरे दिल दे शीशे विच सजना के मायने क्या होते, फिर फीलिंग्स आई। तो अभी तो खैर गला भी थोड़ा सा, अब मैं कोई बड़ी सिंगर वाली बात नहीं कर रही भाई कि हमारा गला ठीक नहीं है, गला हकीकत में मौसम ऐसा हो रहा है, गला भी थोड़ा सही नहीं है, मगर फिर भी अच्छा गा लिया। और सबसे अच्छा तो आपने वो गाया कि जो ढोलकी थी और जरा ढोलकी बचाओ गोरियो। क्या बात है भाई, वो देखे लाइव ढोलकी बज गई यहाँ पर, देखे जरा बताए। इब्तदा तो हो चुकी थी, मैंने जब भी लोगों को कहा ये वो एक दरक्ष है, ये दूसरी दरक्ष है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं गाने की तरफ अब आ भी रही हूँ और अब सीख भी रही हूँ। मेरे सर हैं सर मुबीन जी, जी। उनसे सीख भी रही हूँ। तो बस आप लोग बस बहुत जल्दी देखेंगे आपा, किसी दिन भी आप भी देखेंगे, बस इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा सा गाना मेरा आने वाला है, बस फिक्र ना करें। फिकर नाट कली में जनाब कुलचुम रेहान हमें इस वक्त देख रही है, और उसके साथ साथ सज्जाद खटक हैं, और जनाब उसके बाद जो है शाहजी सैयद हमें हमारे साथ हैं, उजैर
भी मम्मी देख रहे हैं और सरार अब्दुल मजीद हैं और शहजाद नैयर, मेजर शहजाद नैयर साहब हैं और फिर सना सही है जो बड़ी अच्छी खूबसूरत आवाज रखने वाली सना खान, वो भी हमें देख रही हैं और इन तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ वीडियो में आप देखें तो वीडियो में भी हमें एक खातून हमें मुझे देख रही है। वो खातून तो आप ही की तरफ देखेंगे क्योंकि स्क्रीन भी वो है, वो अपने आप को भी देख रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो खातून मुझे देख रही हैं और वो खातून है दरक्षा ताहिर जी जो हमारे साथ मौजूद हैं और हम दोनों को आप देख रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप जहां कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी आप मौजूद हैं, जिस जगह भी मौजूद हैं, एक बार फिर आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और उसके साथ मेरी जानिब से भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। अब अच्छा, सलाम तो किसी भी वक्त हो सकता है, सलाम के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ मतलब सलाम तो किसी वक्त भी हो सकता है और सलाम के लिए ये भी जरूरी नहीं कि ये सुबह का सलाम था, दोपहर का सलाम था, ये शाम का सलाम था या रात का सलाम था, क्योंकि हमने वो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून नहीं कहा, हमने अस्सलाम वालेकुम कहा। अस्सलाम वालेकुम तो किसी भी वक्त आप कह सकते हैं, बल्कि आप जब अपने घर में दाखिल हो या घर से जाएं तो दरवाजा बंद करते हुए भी आप सलाम करें, बिल्कुल, तो उससे भी घर आपका महफूज रहेगा। ये तो ये भी बड़ी इसे पूछ लीजिएगा, और इंटर जब हो दरवाजा खोल लें तो भी सलाम करें और जाए तो भी सलाम करें, तो ये फिर आप देखिए कितनी बरकतें होती हैं। बस हम लोग असल में बात वही है दर्शक, हम इन बातों को नहीं करते, हम तो दुनियावी मामला में इतने फंसे में, इतने शैतानी कामों में फंस गए हैं कि हमें ये चीजें तो याद ही नहीं रहती। हम तो किसी को सलाम वैसे भी नहीं कर सलाम करते। अच्छा सलाम कर भी नहीं तो सलाम का अंदाज ही गलत होता है। अच्छा इसका मतलब आप निकाले तो गलत है, मतलब बजाय अस्सलाम वालेकुम का मतलब है सलामती हो आप पर, अल्लाह की सलामती हो। अच्छा वो दूसरी जब उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया तो वो तो फिर सलामती से निकल गए हम लोग। सही कह रहे हैं। तो मगर क्या अब करें, तो आप देखे ना कि आप मैसेजेस के ऊपर भी ए ओ ए लिख देते हैं। हाँ। ये क्यों है ए ओ ए यार, हम लोग भी करते हैं ये। हाँ, बात हाँ, होते ही मगर करना नहीं चाहिए। करनी चाहिए, मतलब आप जहाँ तीन लफ्ज लिख रहे हैं तो वहाँ अगर छह लफ्ज लिख देंगे तो क्या हर्ज है। कौन सा उसमें टाइम लगेगा या कौन सा आपकी जो गड्डी निकली जा रही है सोचे है, तो ये तो बिल्कुल। और अच्छा सलमा अब्बा कह रही है कि जल्दी से बस सीख लो, तुम सीख लो बस, देर नहीं करो। आई लव यू अब्बा, बस जल्दी से सीख लूंगी आपकी। देखिए सलमा अब्बा के कितने सारे मैसेजेस इस वक्त हमारे सामने, देखो एक 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 के उसके बाद जबरदस्त गुड गोइंग ड्यूटी और उसके बाद जल्दी से सीख लो ड्यूटी और कंप्लीट पैकेज और ये सलमा अब्बा का प्यार है। आप बहुत प्यार करती हैं, आप खुद बहुत प्यारी हैं और आप बस जल्दी से मुलाकात भी करें, बहुत टाइम हो गया मुझे आपसे मिले हुए और बहुत प्यारी मतलब नफीस इंसान जिसे कहते हैं ना, और अब बहुत रहनुमाई करती हैं चीजों में, यकीन करो शोभी। कभी भी किसी चीज में ना मैंने देखा है, एक तो होते हैं खावतीन के वो चाहती है बस जी हम ही समेट के रख लें अपने, लेकिन सलमा जफर आपा की ये बात है खासतौर पर कि वो अपना फन अपना हुनर देती हैं, बांटती हैं लोगों में, ये बात नहीं कि अपने तक ही रख लिया। और अच्छा देखिए सही, और वही फनकार है कि वही फनकार है कि जो अपना फन बांटे, क्योंकि ये ट्रांसफर करने के लिए कि हम आखिर कब तक हैं, हम आखिर हैं कब तक हैं। हाँ, और ये आपके पास अमानत ही होती है लोगों की, आपको दे देना चाहिए। लोग तो ऐसे समेट के रखते हैं कि जैसे इन्हीं के ऊपर शुरू होकर इन पे खत्म होना ही है। अच्छा फिर वो आप देखें, ये कुदरती बात है, बता दूं मैं आपको, ये देखें माजी में जो मेरे सामने रहे ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन्होंने ऐसा किया तो वो फिर बात ही वो फिर नाम मिट जाते हैं, उनका नाम मिट जाता है, क्योंकि अगर ये चीज हम आगे ट्रांसफर करते रहेंगे, ट्रांसफरेबल है ये चीज, तो वो फिर नाम भी आपका उसी तरह चलता रहेगा, सही वो भी नसल दर नसल आपका नाम भी आगे बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम बढ़ेगा। फलाने हमें बहुत सारा है। अब जैसे शुरू में मुझे कॉमेडी के लिए मैं नाम लूंगी, अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे मुइन अख्तर साहब को। मुइन भाई ने जैसे बहुत सारे कॉमेडी के अंदर बड़ा बहुत ज्यादा मतलब ना सिखाया है रहनुमा, क्योंकि उनके साथ शुरू में काम बहुत किया है, और फिर उसके अलावा फिर तो बहुत सारे लोग आए, हमारे शहजाद भाई हैं बहुत सारे, मैं मेल में बता रही हूँ। और लेकिन ये कि जो अगर स्टार्टिंग का टाइम बता रही हूँ, जो वो कह रहे थे ना कि ये पैरोडीज गाते हैं, ये सब मुझे मुइन भाई ने बड़ा बताया। अच्छा पैरोडी भी याद है आपकी बात को, यहाँ ये इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। एक पैरोडी सॉन्ग आप सुनाए थोड़ा सा, वो सलमा का सुना दे भाई, एक तो एक को भाई दें, ये कोई बात थोड़ी, हम ऐसे ही मतलब गाना सादा सुदा सुन रहे हैं, कुछ तो हमारी आवाज की गूंज लोगों तक जाए। मेरा नाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे, आपने पहले भी गाना ऐसे चला दिया सलमा को, मेरा कुछ गाना सुना दिया आपने। नहीं 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 लाइट किया था ज्यादा नहीं जी, बोल, एक राग है उनका, उसमें अभी मैं स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा।
जलवाए गुल को बुलबुल बहुत है, जलवाए गुल को बुलबुल बहुत है, शम्मा को गिरे आए शाम, शम्मा को गिरे आए शाम, बादे बहारी गुल को बहुत है, बादे बहारी गुल को बहुत है, गुल को बहुत है, मुझको तेरा नाम, मुझको तेरा नाम। क्या बात है, वाह वाह, ठीक है ना भाई, सही है ना, जबरदस्त भाई, जबरदस्त 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 बॉस। अभी तो गला सही नहीं है, अभी तो इब्तिदाई है, आपके दोस्त का भी गला सही नहीं है, गला सही होता ना फिर आप देखते कैसा बम फाड़ते भी यहाँ पर, तो ये तो है। अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और बम फाड़ू, मगर अब क्या है भाई, अब मैंने कहा अब टाइम बम फाड़ने का नहीं है, गुजर चुका है, अब तो ढाई बज चुके तकरीबन, तो अच्छा मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल के कुछ और हमारे जो सुनने वाले हमारे साथ हैं, हमें कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सारा सिलसिला चल ही रहा है। ढाई बज गए तो जी, ढाई बज गए ते। और अंबर अरशद क्या कहती हैं जी, सैयद अनस अली मुर्तजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो कहते हैं कि ड्यूटी बेस्ट, थैंक यू। और अंबर कहती हैं, अंबर अरशद कहती है वाह वाह दरक्षा बहुत आला भाई, अरे वाह बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, किस पे कहा है भाई अंबर, मेरे कहने पे कहा है ना यकीनन, या मैं लग भी अच्छी रही हूँ, बता दो यार। नहीं वो असल में उन्होंने तारीफ मेरी की थी, वो तो मैंने मैंने एहतियातन आपका नाम ले लिया, तारीफ तो अंबर तुम मुझे मिलो जरा कहीं। नहीं अंबर से पूछ ले, अंबर अंबर जरा बता दो भाई, बता दो इनको, बता दो, ये बहुत खुशफहमी इसको हो रही है, बता बता दे इसको, बता दे भाई अंबर, बता दो हमारी पड़ोसा नहीं, चले ये भी बहुत अच्छा, आपकी तारीफ की तो इसका मतलब है मेरी तारीफ की, क्योंकि मैं शोभी के प्रोग्राम में बैठी। क्या बात, ये हुई ना, ये मजे की बात हुई, अपने मजे की बात लगी ना, तारीफ जो ये भाई। और फिर लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई इस कैमरे में जो बड़ी बहुत जानी पहचानी शख्सियत नजर, वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, वो मैं ही हूँ और कौन है। क्या बात है जी, आपकी खूबसूरत, आप तो खूबसूरत जी, मैं तो आपने पीएचडी किया हुआ है, मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है। मैंने एक पीएचडी, बहुत सारे पीएचडी किए, बल्कि जब आखिरी पीएचडी करने गए तो पीएचडी खुद ही चली गई, कहेंगे अब इससे ज्यादा ताब नहीं ला सकती, अभी हुसन की अब इससे ज्यादा मैं नहीं ला सकती ताब, इतनी आज की जो है इतनी पीएचडी अपने के लिए बहुत है। तो बहरहाल ये कि हम जो, अच्छा मुझे ये डीटी बताओ कि अब इसके, अब एक्टिंग के साथ साथ आपकी इन फ्यूचर वैसे प्लानिंग है क्या आपकी, आप मतलब माशाल्लाह वैसे तो आप जो पैरोडी भी हैं, आप मजा से भी आपका ताल्लुक है, कॉमेडी भी आप करती हैं, और सिंगर भी बहुत अच्छी हैं आप, वैसे सिंगर पे आप सिंगिंग पे जोर अपना दें और इसको बाकायदा करें। जी जी बिल्कुल, सिंगिंग पे तो मैं अब जोर दे भी रही हूँ, और सिंगिंग इंशाल्लाह ताला बस बहुत जल्दी आप लोग बाकायदा अच्छा प्रोग्राम भी मेरा देखेंगे सुनेंगे, जरूर बुलाऊंगी सलमा आप, आपको भी बुलाऊंगी। और दूसरे ये कि जहां तक रही बात क्या करने की अब फ्यूचर में, तो बस अब फ्यूचर क्या है, अब तो फ्यूचर हमारे बच्चों का है, जो अब बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे और उसकी खुशियां दिखाए मुझे, तो बस काम यही है, आमीन, यही काम है मेरा, एक्टिंग काम है फुल टाइम, बस मेरा यही काम है, लेकिन मेरा हमेशा पहला फोकस मेरा घर होता है, और घर के बाद फिर बाकी चीजें होती हैं, तो इसलिए मैं काम भी अब आजकल बहुत कम कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि अब जाहिर सी बात है, क्योंकि
बेटी को भी देखना होता है, बड़ी हो रही है। मैं समझती थी शोभी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमारी फिक्रें कम हो जाती हैं। मैं कभी सोचती थी ऐसा कि बड़ी हो जाएगी ना मेरी बेटी तो भाई मैं फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगी, अभी छोटी है इसका मुझे देखना है ख्याल करना। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि नई फिक्रें बढ़ती हैं, वो लाजिम बात है वक्त के साथ अब तो साथ। मुझे और ज्यादा फिक्र रहती है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, मुझे मतलब उसकी हर चीज हर हर तरह से केयरिंग कहते हैं, उम्र के साथ साथ बिल्कुल आपकी केयरिंग के जो आपकी जो जिम्मेदारी वो बढ़ रही होती बढ़ है। रही होती है। सही बात है। तो बस अब वो है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, काम कर रही हूँ, कम शोज वगैरह मॉर्निंग शोज वगैरह चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर कर रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बड़ी औकात से बढ़कर मैं जितना अपने रब बेशक का शुक्र बेशक अदा बेशक करूंगा मैं बेशक दिया है। बेशक बेशक बिल्कुल। और अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो आपको कामयाबी दे। हम शो खत्म नहीं कर रहे, इसे बात कर रहे हैं हम, हाँ हर दफा बता देते कई लोग ये ना समझे हाई शो खत्म अब किया कल हो सकते हैं ये भी दो और सब उस पर बातचीत हो नहीं रही भाई हो नहीं अभी सकते तो हैं पार्टी शुरू हुई वाइंड अप करने लगे। हाँ इस लाहौर में रोजी हमें देख रही है, वो कहती है कि पता नहीं क्यों लाइव जो है वो मेरे उस पर फेसबुक के अकाउंट पर नहीं आ पा रहा, तो आप अपने अकाउंट को छोड़ के आप मेरे पेज पर जाएं और वहां आप देखने जाके, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप सर्च करें और उस पर आप चले जाएं, बिल्कुल एंकर पर्सन रिजमेंट शोभी पे जाएं और वहां से आप देख लें, कोई मसला नहीं है। नादिया गिलानी जो है वो भी हमें देख रही है। नादिया आपको भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब अंबर ने कुछ जो है वो एक अब कुछ मैसेज भेज दिए हैं कि यार यू आर टू गुड सिंगर, अंबर ने मैसेज किया हाँ, कि देखा यू ना मैंने सिंगर पूछा था कि सिंगर बताओ जी सिंगर। सिंगर मैं तो हाँ अभी गाने शुरू नहीं किए, मैं करता तो ये भी बात सारी आ जाती, मैं तो सही इसीलिए चुप होकर बैठ गया कि चुप हो जाओ वरना सब कुछ मैं ही हो जाऊंगा फिर। तो मैंने कहा अच्छा एक तो सिंगर हो कम अज कम यहाँ पर, इस वजह जी से जी जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, वरना बहुत बहुत मैं अभी शुक्रिया। शुरू कर दूँ तो ये तो फिर अंबर को पता है कि मैंने जब सिंगिंग शुरू की तो फिर बस हाँ फिर कोई नहीं रहेगा स्टूडियो में, हर कोई भाग जाएगा। अरे फिर तो बस उसके आपका बाद फिर शुक्रिया क्या आपका। कहती हैं, और कहती हैं कि और हसीन लग रही हो डीटी, आदाब अर्ज़े जी, आदाब अर्ज़े शोभी साहब, और ये आदाब अर्ज़े। और आखिर में फिर वो उसने लिखा है कि शोभी साहब ये मैं शोभी भाई थोड़ा सा उधर भी जाने दे थोड़े बस उसके कर लिए, दे बस कर, अब ऐसा भी नहीं है और यार। उस्मा ताहिरा में ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा अच्छा जी, वो भी मैं ज्वाइन कर चुकी हैं, और उसके साथ साथ क्या कहती हैं अभी देखा मगर गुड है। अच्छा जबरदस्त, थैंक यू उज्मा। उज्मा खुद भी बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह सब लोग, उज्मा का प्रोग्राम था तब भी मैंने आपको मैसेज किया था, भूल बिल्कुल गए बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल हमें है? याद है, मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि नहीं याद ना हो, याद मुझे याद हो जरा जरा। और उसके साथ फिर हमारे बड़े प्यारे से दोस्त मोहम्मद अली हमें देख रहे हैं, तो मोहम्मद अली साहब आपको भी मैं खुश आमदी कहता हूँ, थैंक यू मच। और अन सलीम मुर्तजा बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप सबको बहुत ही ज्यादा खुश आमदीद, और बहुत ही यकीन आप सबकी मोहब्बतें हैं और आप सब साथ होते हैं, और जब आप सबके मैसेजेस और आप सबके साथ साथ जब हम होते हैं तो फिर ये कहानी इसी तरह चल रही होती है। अगर आप सब ना हो, कहते देखने वाले ना हो, सुनने वाले ना हो, तो फिर कौन हम, कौन डीटी, कौन नवी जाफरी, तो कौन शहजाद रजा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्यों भी सही नहीं, बात ये है। तमाम चीजें हाँ। सिलसिले जो है वो देखने और सुनने वालों के साथ हैं कि जब सामने लोग हौसला अफजाई के लिए मौजूद होते हैं बिल्कुल तो बात बनती है। तो बिल्कुल इसलिए फिर कहते हैं कि बात चल निकली, अब देखे कहां तक पहुंचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुंचे। अरे वाह वाह वाह, है ना, क्या बात है है ना। जी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब ये कहानी इस तरह चल रही है तो अब जो है वो अच्छा, मुझे अब ये इन फ्यूचर जो है वो इस वक्त कोई आपका कुछ ड्रामा एक्टिंग के हवाले से क्या इस वक्त कोई प्रोजेक्ट आपके हैं या कुछ जी मैं ऐसे अभी बता रही अपकमिंग हूँ। है, जो अपकमिंग हाँ है? बिल्कुल, अभी आने वाला है, मतलब मेरे ख्याल में शायद आज क्या डेट है, 18 से शायद आज 18, अरे आज से ही तो गुजर शुरू गए होना था, है आज गुजर गई हमें पता ही ना चला। अच्छा अच्छा कौन सा अभी वो शुरू हुआ है आज से मेरा जवेरिया सऊद का, मैं एक सोप कर रही हूँ ऐसी है मोहब्बत, वो शुरू हुआ है और बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर देखिएगा। कैसे मतलब क्या उसका वो कॉमेडी टाइप का नहीं, या नहीं 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 कॉमेडी नहीं है, बिल्कुल ऐसी सीरियस मतलब है। यही है जिंदगी की तरह तो नहीं, हाँ इससे नहीं, उस उससे तरह अलग भी है, नहीं, अलग उससे है, अलग अलग है। हटकर है और मतलब कोई कॉमेडी भी नहीं है, एक अच्छी स्टोरी है, आप लोग देखेंगे तो मजा आएगा, उसमें लव भी है, उसमें फैमिली भी है, उसमें रिश्ते भी हैं, उसमें लड़ाई भी है, उसमें झगड़े भी हैं, उसमें कॉमेडी भी है। मुझे देख के ये ना समझे कि मैं कोई कॉमेडी कैरेक्टर, उसके अंदर मेरा कोई कॉमेडी कैरेक्टर नहीं है, उसमें कोई रोल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एंट्री जो है ना उसमें वो बड़ी वो ऐसी है धमाके ना कि वाली बस है। उसी पर लोग समझे कि हाय हाय ये तो फिर कॉमेडी कोई सीन आ गया ना, लेकिन नहीं, उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल है, आप देखें इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और बाकी एक प्रोजेक्ट और है वो मैं अभी कर रही हूँ,
हूँ। और बस मैंने भी आपको बताया कि काम मैं कम कम कर रही हूँ, उसकी वजह यही होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे घर होता है मेरा, तो ज़ारे बच्ची को देखना होता है। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना हो रहा है सही हो रहा है। काम अब कम इसलिए कर दिया कि पहले फैमिली थी, पूरे बहनें थी, सब थे, तो मेरी बेटी को घर में सब देखने वाले थे। घर में तो मुझे फिक्र नहीं थी, मैं बेफिक्री से धड़ा धड़ खूब काम करती थी ना, माशाल्लाह। अब ये है तो कि अब जाहिर सी बात है, अब बहनों की भी शादी हो गई, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अम्मी काफी बीमार हैं, वो भाई क्या रहती हैं, तो इस वजह से ये है कि अब बस खुद ही देखना होता है ना, वो सारा। तो सारी तो जिम्मेदारी फिर अपने सर पे आ गई जी है, जी तो फिर बिल्कुल, उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ फिर लेकिन इंसान आगे बढ़ रहा सब होता है। अच्छा है, आई एम हैप्पी माशाल्लाह। अच्छा वो लीजिए जी, अब क्या हो गया भाई, अब एक और फरमाइश आ गई हमारे क्या पास, जी, अब इसकी फरमाइश को भी टाल सकते हैं। अब क्या कह दिया किसी उज्मा ने, दाई ने कहा कि इससे गाना सुनो, अभी तो उज्मा 3 गाने सुना चुकी हूँ अभी मैं। उज्मा की फरमाइश पे तो सुनाना पड़ेगा भाई, ये तो उज्मा की फरमाइश को हम नहीं टाल सकते हुए। हाय अल्लाह, आप क्या सुनाऊं मैं क्या सुनाऊं, खरी खरी सुना दो, नहीं सुनाना तो खरी खरी सुना दो तुम कम से कम। अच्छा चलें फिर मैडम की गजल सुनाती हूँ आपको क्या मैं। बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त जी। नहीं वो बल्कि वो मैं क्या ना उनका वो सुना देती हूँ ना, नाहिद अख्तर साहिबा की मैं आपको गजल बता रही थी। जिंदा रहे तो हाँ क्या, जिंदा रहे तो मर जाएं हम तो क्या जी। अरे अरे आपने तो इतने गुस्से में कहा है मर जाएं हम तो क्या, ये क्या बात है बोला। ये वैसे इसका राग भी बता दूं, ये राग भैरवी है और उसमें है ये गजल, और बड़ी प्यारी गाई है नाहिद आपा ने, तो मैं तो कोशिश करती हूँ उज्मा के लिए। जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामशी से गुजर जाए हम तो क्या, जिंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। अब कौन मुंतजर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतजर है हमारे लिए वहाँ। शाम हो गई घर लौट के घर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। वाह वाह वाह, नहीं पापा की गजल है और मुझे बड़ी पसंद भी है, मैंने सुना दी इसीलिए उज्मा के लिए। और बोले सर आप देख करें ले। सिर्फ अरे अरे भाई उज्मा देख ले भाई, आपकी फरमाइश को मैंने पूरा करवा हाँ, दिया लेकिन आखिर। उज्मा ने क्योंकि गाना नहीं ना बताया था मुझे, और उज्मा मुझे मालूम है क्योंकि मुझे मुश्किल गाना भी नहीं बताया, उसको पता भी ढेर सारे तो मुझे याद है नहीं तो इसीलिए जो मेरे समझ में आया हाँ ये बता भी है, बात तो सच है मगर जी रुसवाई की भी नहीं है हाँ, ये बता मैंने मैंने इसलिए कहा ही नहीं, मैंने इसलिए कहा ही नहीं क्योंकि मैं कुछ और मैसेज पढ़ना चाह रहा हूँ, और ये मैसेज जनाब अहमद अफजाल साहब का है कि कहते नाइस, और उसके साथ इस्माइल सत्तार कहते हैं सलाम सर, वालेकुम सलाम, मेहमान को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, औसम वॉइस है आपके मेहमान की, ओ शुक्रिया बहुत उनसे बहुत। कहें कि कोई सराय की सॉन्ग भी सुना दो। अल्लाह वे थे वा मन थे वा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, ख्वाबा विच आन वाली। देखिए मैंने आपकी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, गो के मुझे आता नहीं था मगर मैंने सुना दिया। नहीं तो कोई और अच्छा पंजाबी सुना दें, चले पंजाबी सुना, पंजाबी तो आप गाने गा रही थी ना बड़ा, वाह वाह वाह, वो मुझे एक्चुअली सिर्फ फिर अस्थाई आती है, उसके अंतरा पूरा याद नहीं है सर। नहीं कोई दूसरा सुना दें जो याद हो आपको। वैसे तो आपने तो बेशुमार गाने गाए हैं। वैसे तो मैंने इतने गाए कि मुझे याद ही नहीं है, यू नो शो भी, लेकिन ये है कि इस वक्त मुझे कोई याद नहीं आ रहा तो इसीलिए वो है ना कहते हैं, मैंने अभी मैडम का एक और ही सुनाया था ना एक उन्हें, अरे यार याद ही नहीं आ रहा मुझे।
भाई मैं मेरे स्पाइस मेरे मैन दिल के शीशे विच। नहीं वो तो मैंने सुना दिया ना, अच्छा, कितने दफा सुनेंगे। वो भी फिर तो था, एक और भी तो है। तेरे ना, नहीं वो तो तेरे नाल मिला, मिलाई अखियां, वो मुझे अंतरे में फंस जाऊंगी, लेकिन मैं वैसे सुनाती हूँ, स्थाई सुना देती हूँ। स्थाई सुना दे। तेरे नाल मिलाई अखियां, तेरे नाल मिलाई अखियां, वे तू फिर भी दूरियां रखियां, तू जीत गया। सजना में तत्तड़े हार गई तेरी बेपरवाही, सजना मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, सजना मैनू मार गई। बस जी क्या बात है, सब बहुत अच्छे। अच्छा देखो, अच्छा ये देखें, अब हर जितने मैसेज इस वक्त है सब में अब लिखा है दानिया खान, कहते हैं क्या कहते हैं, कोई हजारे का सॉन्ग भी लगा दे। अरे भैया लगा दे, मैं सुनाए ना, मतलब लगाने वाली बात ही नहीं है तो सुनाने। मुझे तो लग रहा है आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा सिंगर का, जो दरक्षा सिंगर हो, मुझे तो ये मुझे लग रहा है फरमाइश अगर। हाय हाय हाय, मतलब मैं आज इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, अब फिर एक दो लाना पड़ेगा मुझे। नहीं यार भाई, नहीं भाई अब ये इतना नहीं, आज का ही प्रोग्राम बहुत हो जाएगा। और रोजी रिजवाना क्या कहती, नाइस सॉन्ग, खूबसूरत गाया दरक्षा ताहिर ने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, बड़े बड़े फैन है भाई, क्या भाई। और दानिश चाही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, नाइस शो हो रहा है, गेस्ट का सलाम, गेस्ट को सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और शाहजहां जोखियो कहते हैं माशाल्लाह नाइस सॉन्ग, थैंक यू, गुड जी, जबरदस्त है और नाइस सॉन्ग। और जिसने गाया है वो, ये तो मार्ग गलत है, मतलब उनकी मकसद उनका ये है कि गाने वाला ये। हाँ तो भाई मकसद बयान होना चाहिए भाई शोभी, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई हो जाएगी। गाने वाले ही उनका उनका मकसद है बाबा, कि गाने वाला बड़ा नाइस है। हाँ जी, गाने वाला नाइस है। और इधर से जनाब अदील अखलाक कहते हैं कि नाइस वॉइस है जी, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। और कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम सलाम। फिजाली हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सरदार अब्दुल मजीद कहते हैं कि आई एम फ्रॉम लंदन। अच्छा, देखिए मतलब आप क्या समझती हैं, आपने अजमल शोभी को हल्का लिया आपने। अरे भाई बिल्कुल नहीं, आज तो लंदन से भाई आप लंदन में और यूएसए में जमाल सदीकी से हमारे साथ मौजूद है, फिर कनाडा में हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप यार यार सरदार साहब, सरदार साहब जरा बताएं, दोबारा बताएं यार, बताएं दोबारा इनको यार, देखो यार पता है ये भैया बहुत हल्का ले रही थी भैया। नहीं नहीं मैं बिल्कुल शोभी, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, आप लोगों को हल्का हम ले ही नहीं सकते, क्या बात है जी। कहने में क्या जा रहे हैं, नहीं कहने में नहीं, हम तो देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं मैसेजेस आपके सामने, हमारे आंखों के आ रहे हैं। और जनाब इस्माइल सत्तार क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, देखने उन्होंने फौरन जी भाई आपका शुक्रिया अदा कर दिया कि वाकई बहुत जबरदस्त है भाई, आपने बहुत अच्छा गाया। और सीमा बाबर कहती है अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, कैसे हैं आप, माशाल्लाह डीटी की वॉइस बहुत जबरदस्त है। और दरक्षा सलाम, कैसी हैं आप, मुझे आप बहुत पसंद हैं, सो स्वीट ऑफ यू, टेक केयर। यू टू, और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, वालेकुम अस्सलाम, और आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। आप बगैर देखे पसंद है, नहीं देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर आपके दो लफ्ज किसी को ये मोहब्बत मेरा काम है, मेरे पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, मैं तो मोहब्बत से मिलती हूँ। अब उस पहुंचने में रास्ते में बहुत सारे लोग आ गए तो क्या होगा। नहीं आप एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े लोगों ने भी आपसे एक बात कह दी माशाल्लाह कि इतना प्यार करने वाली बंदी है, तो जाहिर है मैं तो फिर सबसे प्यार करती हूँ। सही, बिल्कुल सबसे जी, सबसे सबसे। और उसके बाद इस्माइल सत्तार क्या कहते हैं, सलाम सर, मेहमान को भी सलाम, ऑसम वॉइस है, और आपके मेहमान की इनसे कहें कि कोई सराकी सॉन्ग या सराकी वैसे, ओए जिंदा खा के जान सजना शालार में जवान सजना, ये जबरदस्त भाई। अच्छा ये तो वसीम अब्बास जो अदाकार है हमारे, ये उनके वालिद ने गाया था, इनायत हुसैन भट्टी साहब का नाम अच्छा, सुना इनायत हुसैन भट्टी, तो फिल्म का नाम भी था, मैं कहा जिन जान फिल्म बना दो, उसी का गाना था, ओए जिंदा खाके जान सजना शालार में जवान सजना, मैं तेरे कुर्बान सजना, ओए तू एक मोती मैं एक हीरा, बस इतने का पूरा याद नहीं, नसल में याद नहीं, मुझे वो फिर ऐसे ऐसे भट्टी साहब असल में
मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं और इनके गाने। और फिर वो जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, ये भी जो इनका गाया हुआ है, तो भट्टी साहब का, नियाज़ भट्टी साहब का। फिर कैफी साहब, मतलब अपनी साथ साथ गुरुकारी के साथ साथ अदाकार बड़े खूबसूरत थे। और फिर उन्हीं के देखें, वो अदाकारी विरसे में वसीम अब्बास को मिली। वसीम अब्बास जो कितने मतलब मजे हुए अदाकार हैं, मजे हुए अदाकार हैं। और अब उनका बेटा भी माशाल्लाह बड़े ड्रामे में काम कर रहा है, वो भी बड़ा अच्छा। हाँ, वो भी नसल दर नसल, ये देखें नसल दर नसल एक चला आ रहा है बिल्कुल सिलसिला, और बहुत खूबसूरत। तो वसीम अब्बास की तो फिल्म भी थी ना, वो जो फिल्म थी क्या नाम, कौन सी फिल्म, इनकी बहुत सारी फिल्म, ऐसे मंजिल फिल्म भी थी, मंजिल फिल्म में भी ये थे, मंजिल फिल्म थी जिसका जिसके हीरो हीरो थे ये। बड़ा बहुत सारे गाने मुझे याद आ रहे हैं मुझे, मगर मिक्स हो रहे हैं वो सारे, मेमोरी में मिक्स हो, मेमोरी मिक्स हो रहे हैं वो। तो खैर बहरहाल, तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हमें इस वक्त मैसेज दवा के मैसेज आ रहे हैं, और इसका मतलब है कि अब जो ये वोट जो है ना, ये जो वोटिंग चल रही है इस वक्त, इस सिलसिले जो लोगों मैसेज आ रहे हैं कि इसका मतलब है कि दरक्षा ताई डीडी जो है वो अच्छी सिंगर है। अच्छा, आप इसका मतलब कि मुझे सिंगर बकायदा, असल में आपने बहुत पहले एक बात कही थी, अब इंशाल्लाह ताला मैं बस नहीं, अच्छी सिंगर है तो आप मतलब अच्छा गा भी रही हैं, और फिर पता नहीं अब कैसा मैं सुन रही हूँ, तो ये तो फिर हाँ सुना रही, तो असल सुनने वाले ही ज्यादा बेहतर बता सकते, और सुनने वाले इस वक्त हमें बता रहे हैं कि जी इस वक्त जी है वो हमारे साथ कौन सी सिंगर और कैसे सिंगर मौजूद है, ये सुनने वालों को मैसेजेस हैं। वैसे मैं हूँ तो एक्टर, लेकिन सिंगर यहाँ बन गई हूँ आके, और अब सिंगर बनूंगी मुस्तकबिल में। अब आप कह रहे हैं ना, अब क्या बनोगी मुस्तकबिल में, चलो ये बता देती हूँ, सिंगर बन जाऊंगी अब। खूबसूरत गाया है डीटी ने भाई, शाहजहां जो क्यों कहते हैं, खूबसूरत गाया है डीटी ने भाई। ये तो इन्होंने आप सबका दिल रखने के लिए देखिए, इन्होंने गा दिया है, उन्होंने गाया जरूर है कि कुछ भी हो जाए मैं जरूर सुनाऊंगी। और फिजा अली इधर से भी हम थोड़े मैसेज शामिल करते चले। आर जे जैन कहते हैं सलाम शोभी अंकल, नाइस शो और लव यू, दुआओं में याद रखिएगा जरूर। हमारी बहुत सी दुआएं जैन आपके लिए, अल्लाह ताला आपको जल्द से एहतियाब करे, और जल्द आपसे एहतियाब हों, और अल्लाह ताला जो है वो आपको उसके साथ साथ जो है जिंदगी हर मकसद में कामयाबी अदा करे। फरहान खान हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं मेरा आपको बहुत सलाम, वालेकुम सलाम। और फिजा अली कहती हैं, क्या कहती हैं, सलाम, कैसे हैं आप दोनों, नाइस शो माशा अल्लाह, थैंक यू। और जी उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख कर, अल्लाह आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे। ये अदील अखलाक का जो है वो मैसेज है जो उन्होंने हमें दिया है। और उसके बाद राणा मुश्तबा हुसैन कहते हैं, खूबसूरत आवाज है आपकी डीटी, बहुत शुक्रिया। वो इसीलिए मैंने कह दिया डीटी को, मैंने कह दिया है कि भाई बस आप अब सिंगिंग पे जोर दें, और सिंगिंग के लिए आप निकल जाए आगे, क्योंकि अब जो है वो आगे बात जो है वो सिंगिंग तक ही पहुंचेगी, और वही ज्यादा अच्छा भी है। अच्छा, सिंगिंग से ये होता है कि आप ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होते, आप अपने सारे काम चल सकते हैं आपके साथ साथ, उसमें इतना मसला भी नहीं होता इन फ्यूचर। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मैं बड़ा रोशन देख रहा हूँ कि सामने एक बहुत बड़ा एक बड़ी सीडी जो है वो ड्यूटी की सीडी जो है वो मार्केट में रिलीज हो रही है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मिजाज जो है ना वो वैसे जितनी मेरी तबीयत शोक ही है, मतलब शोक पने मेरी तबीयत पे यू कहना चाहिए, तो इतना ही मेरा मिजाज थोड़ा ना, मैं स्लो सॉन्ग पसंद करती हूँ, मेलोडियस सॉन्ग हो, गाने हो जिनकी शायरी हो, गजलें हो, मुझे इस तरह की ज्यादा पसंद है, जो हमारे आजकल लोगों को पसंद नहीं होते इतने। लेकिन अच्छा, शायरी को कितना पसंद करती हो? शायरी को काफी पसंद करती हूँ। तो सुनाए कोई शेर वाली याद है तो सुनाए सर। बिल्कुल, एक अभी कतील शिपाही साहब का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद भी है। जो हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, जो हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। ओए होए, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। ओए होए, और क्या बात है। अपना एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। अब वो उल्फत ना रही, अब वो मोहब्बत ना रही, आज के दौर में पहली सी मुरव्वत ना रही, जब जमाने के सितम के हुए आदि हमदम, फिर किसी शख्स से कोई भी शिकायत ना रही। वाह 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 जी वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है जी। और बहुत ब्यूटीफुल सिंगर सरदार अब्दुल मजीद साहब कहते हैं लंदन से कि ब्यूटीफुल सिंगर सरदार जी, शुक्रिया जी सरदार जी आपका। और उसके साथ साथ महक फराज का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम शोभी अंकल, वालेकुम सलाम जी, कैसी ठीक है आप, कैसे से हैं। और उसके साथ साथ कोई और शेर, कोई गजल, कोई नज्म, कोई शेर, कोई वैसे मतलब
अच्छा अच्छा खूब उल्फत का सिला देते हैं, खूब उल्फत का सिला देते हैं, ये भी मेरा अपना ही है। तो आगे शेर तो पूरा खाक में हमको मिला देते हैं, मैं बता भी रहा। अच्छा खाक में हमको मिला देते हैं, हम तो उनको भी दुआ देते हैं, जख्म दिल पर जो लगा देते हैं। क्या बात है, वो तो बस एक नजर से रक्षी गुंचाए दिल ही खिला देते हैं। रक्षी मेरा तखल्लुस है, क्या बात है, अंदर से भी कुछ है, अंदर से ये ना समझे हल्का। आपने भी हमें बड़ा ले लिया, शायरी आपने सुन ली, गाने आपने सुन लिए, कॉमेडी आपने सुन ली, पैरोडी आपने सुन ली, एक्टिंग आपने देख ली, अब के मेरी जान लेंगे वही बात हो गई। अबे अब क्या रुलाएगा क्या क्या बहुत। अब देखें आप ये और करें कि डीडी इस वक्त जो है दर्शना ताहिर जो है वो एक अच्छी एक्टर है और डायरेक्टर ने बड़ी तारीफ की, हमारे सीनियर एक्ट्रेस ने तारीफ की, गजाला आपा ने तारीफ की, शहजाद रजा सर ने तारीफ की, मिशी खान ने तारीफ की, तो ये नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ सिंगर भी बहुत अच्छी हैं, इसकी तारीफ देख लें वो सरदार साहब ने भी कर दी, सरदार साहब ने कर दी, लंदन से लंदन से मैसेज आ गया भाई, लंदन से इनका वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया। अब तुसी फिक्र ही ना करो, बस असी तैयार है, लंदन तो वैसे मशहूर है जी। और उसके साथ साथ जी फिर जो है सलमा जफर ने, सलमा जफर जो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है माशाल्लाह, सलमा आपा ने तो फिर बड़ी बड़ी पक्की तारीफ कर दी जी सलमा, तो वो तो फिर ये तो सिंगिंग की मिली भी सर्टिफिकेट मिल गया हमको, तो ये बड़ी बात है। पैरोडी के लिए भी शहजाद भाई ने बोला कि पैरोडी बहुत अच्छी करती है, इनसे पैरोडी जरूर सुनिएगा, वो हमने सुनी, आपने भी सुनी, कैसा लगा? तो ये मतलब दरअसल मैंने शुरू में कहा था, जैसे बल्कि जो है वो हमें जो है सलमापा ने कहा कि ये मुकम्मल कम्प्लीट पैकेज है जी, बस तो ये वाकई कम्प्लीट पैकेज है, ये वाकई कंप्लीट पैकेज है। और आज दरक्षा को यहाँ देखा, वरना दरक्षा हमेशा जब हम प्रोग्राम करते थे तो आती थी और उन्होंने क्लिक किया और वो जितना टाइम होता था जब पहुंचती थी आखिर में, ये जैसे भी है तो हमें देखती थी और हमारा रब्ते से आपका शो तो खैर मैं वैसे भी अक्सर मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मंडे को आपका शो आता है जब रात को, तो अक्सर ऐसा होता है घर जाते हैं देर से, तो मेरी आदत है फेसबुक पे मतलब फिर ऑन लाइव जब आपका शो आ रहा होता है तो देख रहे तो बड़ा मजा आता है। मैं उसमें फिर आपको जरूर मतलब फिर तो लाजिम मलजूम बन जाता ना आपको कोई ना कोई कमेंट करना, और आप भी तो मुझे बहुत पसंद है शुरू से, और मैं आज से तो आपको जाहिर जानती नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से जानती हूँ माशाल्लाह। मैंने आप शुरू में ही कहा था कि आप तो रेडियो के लिए रेडियो और आप तो एक जान है एक तरह से देखा जाए, तो जाहिर बिल्कुल माशाल्लाह से आपने तो अपनी जिंदगी दे दी जिसे कहना चाहिए ना पूरी इसमें, तो अल्लाह ताला आपको मजीद और कामयाब से कामयाब तर करते रहे। आमीन आमीन आमीन। हम शो खत्म नहीं कर रहे, अभी बात चल रही है, लग रहा है अब शो ही खत्म होगा एंड में। नहीं, जो पौने तीन हो चुके हैं, 2:45 हो चुके हैं और 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम है, तो ये बिल्कुल सिलसिला हमारा है। और देखिए वक्त का कोई पता नहीं चला, गुफ्तगू चलती रही और बातचीत होती रही तो पता नहीं चला, और इस तरह हम आगे पहुंच चुके हैं। और मेरे ख्याल में कुछ और मैसेजेस हमारे पास हैं कि कुछ फरमाइश है, कुछ फरमाइश है जर्मनी से, ये फरहान खान जो है वो जर्मनी में, जर्मन में ना सुन लेना, जर्मनी से, और कहते हैं जर्मनी से है तो मेरी भी कोई फरमाइश पूरी करवा दे, कुछ सुना दे भाई इनके लिए भी। अब जर्मनी से फरमाइश है, देखिए अब भाई पंजाबी सुना दूं फिर, पंजाबी सुना दे, चलें मैडम का ही सुना देती हूं। आप मैडम, अब मैं जर्मनी वालों के लिए ही सुना रही हूँ, आप देखें जरा शायरी भी सुनिएगा, सुनाइए हम सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तोते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाए, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेर वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेर वे,
दासी तेरा बिन में अज मैनू तक नावे, अज मैनू तक नावे, जिवें मैं पराई। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। सर जी क्या बात है, क्या बात है जी। आपने जर्मनी की फरमाइश पूरी की, हमारे पास स्पेन से भी फरमाइश आ और गई ना है। करे अब मैं, मुझे लग रहा है मैं सिंगर और बन देखिए गई। जी ये आज भी देखिए जी, आप ये अनस चीमा साहब कहते हैं फ्रॉम स्पेन जी। दाग और आप तो देखिए मुझे जी अभी फिलहाल आप सुन रही है, आप देख रही है आप, ये लोग मुझे यहाँ से सिंगर बना भाई के भेज रहे हैं आज। भाई अब देखिए पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है सिंगर। देखें देखें यार, भाई सिंगर ये सब सिंगर है, ये सिंगर है, ये वैसे सिंगर, ये डीटी जो है सिंगर है जी। अच्छा ये तो जर्मनी से है, वैसे मैं भी जर्मनी जा चुकी हूँ, लेकिन जुलाई में मैं लंदन आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वहां पर भी जरूर गाएंगे। और एसएफ खान ने का मैसेज है जनाब कि शो इज डिफरेंट टुडे। ओ अच्छा, हाँ कुछ आज कुछ तो नया है, कुछ नया है, कुछ कुछ नया नया क्या क्योंकि नया है। दरक्षा ताहिर। अच्छा, नहीं वहां ये तो आपने बताया, इन्होंने क्यों नहीं बताया नया क्या भाई, नया नहीं क्या है ये तो वो असल आपको में यही बताना तो उन्होंने चाहिए। कहा कि आज कुछ आज डिफरेंट हो गया, कुछ आज के शो कुछ है, कोई वक्र, और कहते हैं वक्री टाइप का, वक्री टाइप के लोग बैठे हैं आज। अच्छा सही, गुड, थैंक यू। तो फिर जो है वो क्या किया जाए, मतलब उमर अली अंजुम हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ा प्यारा सा हमारा दोस्त है, शायर अच्छा भी है और एफ एम 101 माशाल्लाह, पे जो है वो आरजे भी है अच्छा, और जर्नलिस्ट भी है, हमें माशाल्लाह, ज्वाइन कर चुके हैं। तो उमर आई लव यू आपके लिए, और अनस चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आप स्पेन से हमें देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है इनकी जो है वो इस वक्त सीमा बाबर का मैसेज है कि अजमल भाई डीटी से कहें कि फिल्म सायका का सॉन्ग सुना दें अल्लाह, प्लीज कौन सा उसका तो प्लीज। कोई सॉन्ग ही मुझे याद नहीं, मैं कौन सा ए सुनाऊं। बहारो गवार रहना, ए नजारो गवार रहना, दो दिलों ने साथ रहने की कसम खाई खाई, है। ए बहारो गवार रहना। अब भाई नेक्स्ट टाइम ना मैं गाने बकायदा याद करके आऊंगी, क्योंकि मुझे अब फरमाइशें गानों की आने अब लगी है, देखें मतलब लेकिन मैं क्या ये मैं करूं, तो नहीं लिखवा मैं रहा तो ना ये ऐसे गा लोग, रही थी मजाक मजाक में, आप और लोग ये बड़े देखें वही सीरियस हो कहते गए। हैं ना कि बस बात चल निकली, अब देखे कहां तक पहुंचे। मैंने इसीलिए कहा था ये कि अब सिंगिंग की बात चली तो अब लोगों को मजा, लोग करेंगे वाकई ये तो सिंगर है, ये अदाकारा नहीं है, हाँ, ये क्या किया ये मैंने आपके सिंगर साथ, है, ये सिंगर अरे है अच्छा, ये। और देखिए अब उन्होंने कहा सायका का गाना तो अब ये भाई इतना सा बहुत है ना, ये टेस्ट इतना भी काफी है कि हम दोनों ने मिलकर आपको सुना दिया, और क्योंकि ये डुइट गाना है और अहमद रुश्दी और मेरे ख्याल में माला की आवाज है शायद, तो इसलिए ये दोनों हमने सुना दिया थोड़ा सा आपको। और कोई बाबा शाहजहां जो क्यों कहते हैं कोई सिंधी गाना सुनाओ, अब बोलो भाई शाहजहां जोखियो साहब, अब सखर किए तो सिंधी गाना सिंधी पड़ेगा गाना तो इतना मुझे नहीं आता, थोड़ा मगर सा। मैंने एक थोड़ा सा एक सॉन्ग गाया था, मुझे याद नहीं है उसका पूरा, मगर इतना जरूर याद है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। हिजर जलम हा गुजरी वेंदो, दिल के दर्द भी विसरी वेंदो, हिजर जलम हा, मुझे इससे आगे आता नहीं है, बस इतना आता है, वींदे वींदे दर्द असां खां, वींदे वींदे दर्द असां खां, मुखे बस एतिरो ईंदो आ, इन सां गॾु मूंखे ईंदो न, मूंखे यादि कोन आहे, मां सखर जी आहियूं, पाण बि थोरी बहुत सिंधी बि मूंखे ईंदी आहे, मां रेडियो खैरपुर सां मुंहिंजो स्टार्ट थियो, तो बहरहाल तव्हांजो इलाही महिरबानी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं सिंधी सॉन्ग याद करके आऊंगी। शोभी साहब ॿियो सभु ख़ैर आहे ना, तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो। अच्छा अब थोड़ा सा पंजाबी में भी उनको उनकी खैरियत पूछ लें। हाँ जी, की हाल है तुहाडा सरदार साहब, और जितने भी लोग जड़े हैं वो मैनू देख रहे हैं शोभी साहब दे शो में, तो उन्हां नू सब नू मेरा सलाम और नेक ख्वाहिशात, बस तुसी खुश रहो और साडे वास्ते भी तुसी दुआ करते रहा करो और दुआ च याद रखो। और जी बोले बलोची में भाई आपने खुद बात छेड़ी है, बात छेड़ी है बाबा, तो फिर ये तो देखिए बात सिंधी तो यह है कि मेरा ताल्लुक खुद सिंध से है, सिंध से रोड़ी है। से हूँ मैं, तो मुख्य सिंधी तो इंडिया पर इतनी सुठी ना, इंडिया पर गुजारे लाए मुख्य सिंधी इंडिया, बिकॉज मां मुझे पहलो प्ले सिंधी मंजूर मक्सी जो मां कयो टुटल तारू, टुटल हाँ तारू। उन जो नालो टुटल तारू, और उससे मेरा स्टार्ट हुआ था सिंधी, तो
गुलाब चांडियो साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जिंदगी सेहत दे, वो मुझे एक बात कहते थे, दरक्षा तवा जी सिंधी जड़ी है ना वो गुलाबी सिंधी है। वो जी कहते थे गुलाबी सिंधी बोलती हो ना तुम, जरा जो टूटी फूटी टाइप, तो अब्बू और भाई बहुत अच्छी सिंधी बोलते हैं। सिंधी जबान वैसे भी जबानें सारी बहुत प्यारी हैं, मगर आई पर्सनली लाइक सिंधी जबान क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है सिंधी बोलने में। और जनाब एम हुसैन बलोच हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल शो भी, शो आज बहुत अच्छा है और आपकी गेस्ट को सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर जो है वो क्या है, एक ये जो मैं बात कहीं और आगे था, क्या कह रहा था मैं जी, शौकत जहांगीर साहब जस्ट ज्वाइन गुड शो नाइस शो, थैंक यू जी। और उसके साथ साथ जो फिर शाहजहां जोखियो के खूबसूरत गाया डीटी ने, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, तो दो तीन बजने में अभी 8-7 मिनट बाकी है हमारे, और देखिए बात जो है वो यहां से यहां तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ नाहिद शबीर, नाहिद शबीर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नाहिद तो मेरी जानू है, कहाँ हो तुम? देख ले वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कहती हैं ड्यूटी लुकिंग ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू मेरी जान, तुम्हारा प्यार है, आई लव यू, ये इसका प्यार है। नाहिद खुद इतनी प्यारी है शो। मगर नाहिद को मैं एक बात बताना चाहूँ कि कैमरे में सामने स्क्रीन पर दो लोग नजर आ रहे हैं, एक ड्यूटी तो नहीं है यहाँ पर। नाहिद लोग जल रहे हैं। ये तो देखिए इंसाफ, देख भाई फनकार हमेशा इंसाफ करता है। नहीं नहीं ये बात तो है, थोड़ी सी तारीफ कर दो यार साइड में। नाहिद शब्बीर हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी एक्टर है। और नाहिद तू भी वैसे मुझे मेरे गाने ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, नाहिद भी ये कहती है। नाहिद कोई फरमाइश है तो बता दी। नाहिद तो नहीं, नाहिद नहीं करेंगे क्योंकि नाहिद के सारे फरमाइशी गाने मैंने गा दिए, खुद आगे चुप बिल्कुल ना बोलना। नाहिद बहुत प्यारी है, बहुत लविंग है। चुप रहना, तो मैं जब कल परसों जब तुमसे मिलूंगी तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगी, आज चुप हो जाओ। नहीं यार ये बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, कह रही है आपका शो बहुत अच्छा बहुत प्यारा है, माशाल्लाह, थैंक यू नाहिद, थैंक यू वेरी मच। और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, नाहिद बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत बहुत अच्छी, रियलिटी मतलब इतनी बिल्कुल एक नेचुरल जो होते हैं ना, नेचुरल एक रियल एक्टर जिसको कहना चाहिए। और ऐसे मैं जब मैं मतलब देखता हूँ, मैं ड्रामे देखता हूँ या कुछ लोगों को परफॉर्मेंस देख रहा था, अच्छा मैं एक आम लोगों की तरफ पर नहीं देखता, मैं बड़ा गहराई से देख रहा, डीपली उसको देख रहा होता है, ये मतलब इसका आई कॉन्टेक्ट कहाँ जा रहा है, इसकी मैं फीलिंग इसमें है या नहीं है, ये मैं कहाँ से पॉज ले रहा है, क्या मतलब मैं अपने हिसाब से, तो कभी कभी बेगम कहती कि क्या मतलब क्या है ये, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ भाई, जब देखता हूँ तो अपने हिसाब से देखता हूँ, वरना मैं देखते ही नहीं हूँ। सही बात है। और नाहिद को तो मैं कहती हूँ नैयर सुल्ताना जो है ना, नैयर सुल्ताना की तरह लगती है, पता नहीं क्यों मुझे नाहिद तो ना, नहीं बाकी ये बिल्कुल मतलब इतनी हेल्पफुल बंदी है ये, और जब बंदे को टेंशन हो ना तो आप नाहिद को फोन कर लें, और मतलब जो है इसमें योगा के आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। और मेरा कोई शो और भी देख रहा है, उसने भी कॉल कर ली, लेकिन मैं बातें सुने भी, ये सब मैं बात कैसे कॉल कर रहा है, जाहिद साहब हैं, और हेलो आप लाइव आके हमें बातें कर लेते अगर आपको इतना वो था, तो हम लाइव जा रहे हैं इस पर शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? स्पीकर ऑन कर दें। अच्छा जी ठीक ठाक है, मैं स्पीकर ऑन करने लगी हूँ, अब मेरी प्लीज बुराई नहीं कीजिएगा, आपकी मेहरबानी है, आजकल शो भी सारी दुनिया देख रही है, मैं स्पीकर ऑन करने लगी हूँ जी, शो सुन रहे हैं आप हमारा शो सुन रहे हैं आप, अभी अभी मैं ऑन करती हूँ, एक सेकंड आप भी सुन लेना बातें, एक सेकंड यार कहाँ चला गया यार, भाई आप बोले। हेलो सलाम अलैकुम, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं जी? शो सुन रहे हैं हमारा, कैसा लगा आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मैं कोशिश थोड़ी सी करते हैं कि हम जो वक्त थोड़ा सा मैं ही कहता हूँ आमतौर पर राजा कि जो वक्त हमें मिला है तो हम इस वक्त को एक यादगार वक्त लम्हा बना लें, यादगार वक्त बना लें हम बस। बिल्कुल नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बस बस, तो यही कोशिश हमारी होती है। और बहुत शुक्रिया जाहिर साहब आपका, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत से। और ये तो इन्होंने आपके लिए बात कर दी तो मुझे कॉल क्यों की है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? ये क्या बात है, बेइज्जती कर दी हमारी है। चले अभी यूं करें, दो बातें इनके लिए भी कह ही दें। बेशक मॉर्निंग शोज सही बात है, और बहुत सारे गिफ्ट उनके देखने वाले जो है उनसे जब दिन की शुरुआत होती है तो मुझे वो यकीन है कि उनके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती होगी। बेशक बेशक, क्योंकि वजह से बड़ी एनर्जी से जो है वो लोगों में बढ़ जाती है। बेशक, बहुत 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 अच्छी बात है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने कोई एक लगी लिपटी बात नहीं की, बिल्कुल एक हकीकत बात की, क्योंकि मैं भी जानता हूँ जाहिर हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, बहुत अच्छे मतलब हमारे साथी भी हैं। और मैं एक बात और कहूंगी कि इन्होंने प्रोग्राम सुना, गाड़ी में जा रहे होंगे, वक्त निकाला, इतनी कॉल कर ली, इनकी मोहब्बत इनका प्यार है। लेकिन अजमल अपना शोभी, एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी और बल्कि तमाम सुनने वालों से कहूंगी, इनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है परसों, उनकी मगफरत के लिए प्लीज आप सब लोग, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। बिल्कुल, माँ तो फिर माँ होती, माँ का साया उग जाए तो बड़ा, बस कहते हैं कि इंसान फिर वो बेछतरी हो जाता है वो, जब माँ का साया उग जाए तो। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और बस बेशक बेशक, सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बात की। आमीन आमीन, जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, हमारी बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाब करें। जजाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये जाहिद साहब हमारे साथ थे, और उसके साथ साथ जो है वो शाहजहां जोखी, वो क्या कहते हैं कि माशाल्लाह आप की आवाज बहुत अच्छी है, मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मोहसिन शाह हमें इसे देख रहे, कहते हैं सलाम शोभी भाई। और डीटी से गुजारिश है कि श्रिया घोषल का कोई गाना सुना दिया, नहीं पॉसिबली नहीं भाई, पॉसिबली नहीं, पॉसिबली नहीं। मतलब तो वैसे मुझे पाकिस्तानी गाने बहुत पसंद है, और मैं पाकिस्तानी गाने गाती हूँ, इंडियन तो आप मुझे बोलेंगे भी तो मुझे नहीं याद होते। सही बात है, और आप जिसका नाम ले रहे हैं कसम से मुझे तो शक्ल से याद आ जाएंगी, वैसे याद भी नहीं है कौन सा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा मैं, अच्छा मेरे प्रोग्राम का एक, मेरे अपने प्रोग्राम का एक फॉर्मेट बना रखा है कि मैं इसमें सिर्फ पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी बात करता हूँ, मैं इंडियन इसमें शामिल करता हूँ। वैसे मुझे भी पाकिस्तानी पसंद, क्योंकि मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे फनकार जो हमारे अपने फनकार है ना, हम अपने फनकारों की खुद पहचान नहीं करवाएंगे तो कैसे पहचानोगे? हम अपने फनकारों को खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मेरी कोशिश एक सालों गुजर गए कि मैं अपने प्रोग्राम में सिर्फ पाकिस्तान म्यूजिक शामिल करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बस, 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 मैं तो आपके साथ हूँ इस मामले में। बस बस जी, बिल्कुल आवे इलेक्शन में खड़े होंगे तो मेरा वोट पक्का है, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और चले 3 बज चुके हैं, और टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, वाकई कसम से पता नहीं चला, 2 घंटे गुजर गए आप लोगों से बातें करते हुए, और लग रहा है पता नहीं सालों बातें कर सकती हूँ मैं आपके साथ, इतनी बातें मेरे अंदर दिल में छुपी हुई हैं, दिल में तूफान छुपाए बैठे हूँ, ये ना समझो मुझको प्यार नहीं, प्यार नहीं, मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से, सबसे सुनने वालों, देखने वालों से, सबसे बहुत प्यार है। चले जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में क्या ख्याल है आपका? हाँ बताए, क्या अपने प्रोग्राम को समाप्त करें।
हाँ जी बिल्कुल, आपको करना भी चाहिए। अब तो जाहिर सी बातें, वरना लोग भी बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे बस बहुत हो गई भाई। नहीं नहीं, मेरे सुनने वाले जो है वो मुझसे बोर हो जाएंगे, आपसे थोड़े होंगे, आपके सुनने वाले भाई आपके फैन आपसे भी बोर नहीं, आपसे भी बोर नहीं होंगे, आपसे तो वो गाने सोच रहे हैं अभी आपके लिए, आपके लिए गाने सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद आएगा कि मुझे इंग्लिश में गाना सुनाए। लो लो चले, फिर कहेंगे जर्मन में सुनाए। तो ये तो अब मुझे ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सबके लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे सुनने वाले माशाल्लाह वो ऐसे हैं कि अगर सुबह 7 बजे प्रोग्राम चलेगा तो हमारे साथ ही रहेंगे वो। सही बात है, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको हम ड्यूट मैं और शो भी सुनाएंगे। जरूर जरूर, दो प्यास से दिल एक हुए हैं। प्यास से दिल क्या वो क्या, वाह वाह वाह, एक हुए ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाएंगे फूल और नदियाँ जैसे ऐसे जी। वो प्यासे दिल आए हाय हाय, क्या जबरदस्त शायरी होती है। ये गाने हैं, ये सॉन्ग्स हैं, ये हैं, इनको सुना करें आप, प्लीज छोड़ें श्रिया वरिया को यार, चिड़िया को छोड़ें, चिड़िया को छोड़ें, आप ये सुने हमारे मेहती खान साहब को सुने, आपने भी गुलाम अब्बास साहब को सुने, आप ये देखें इन लोगों के, ये लोग गाते हैं मैडम के गाने सुने। अब देखिए हम प्रोग्राम को अभी वाइंड अप करने का सोच रहे थे, हमें एक और हमारे बहुत ही प्यारे से हमारे सीनियर, हमारे दोस्त, हमारे बड़े सीनियर प्रोड्यूसर पीटीवी जनाब इकबाल लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरे इकबाल साहब सलाम अलैकुम, मैंने तो सर अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे ठीक ठाक है? अरे मैंने स्टार्ट में आप जब गए थे ना उनकी, और मैं क्या बात बता रही थी कि मुझे पीटीवी, मुझे डीटी नाम देने वाले कौन है, मैंने बताया लोगों को, आपने पता नहीं सुना, नहीं सुना जब आप जरा काम करते, मैंने ये बात डायरेक्ट बता चुकी हूँ कि मुझे डीटी नाम, ऐसी बातें नहीं सुनते, मुझे इकबाल साहब ने पीटीवी पे ये नाम देखा और इकबाल लतीफ साहब अब आ गए। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और मेरा डीटी नाम डालने वाले ये थे और आज मशहूर हो चुकी हूँ डीटी से। देख ले आज के प्रोग्राम में एक बार भाई, आज के प्रोग्राम में ये डीटी के अलावा कुछ था ही नहीं, बस डीटी डीटी और टीटी। और पता है आपको टीटी किसका नाम रखा इकबाल साहब ने? गजाला जावेद का, उनको टीटी बोलते थे और मेरा डीटी कहते थे, लोगों के पास टीटी होती है, हमारे पास डीटी है। सही बात है, ये तो हकीकत है, और उनकी टीटी से डीटी ज्यादा भारी है। डीटी ज्यादा भारी नहीं, टीटी भी उनकी अच्छी है, हमारी गजालापा भी अच्छी है। नहीं, गजालापा की बात नहीं, वैसे जो वो वाली टीटी है, वो तो भाई वो हम तो फिर क्लाशन कोफ है, डायरेक्ट शूट है, डायरेक्ट शूट है। तो बहरहाल इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लगा आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत सारे ऐसे जब सीनियर हमारे बड़े हमें देख रहे होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो वाकई मुझे तो बहुत अच्छा मुझे लगता, बहुत अच्छा लगता है, हमने तो काम एक तकवीर, एक तकवीर मिलती है कि यार हमारे सीनियर हमारे साथ मौजूद, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो बहुत कुछ सिखाया है इन्होंने और सीखते भी हैं। मतलब ये कि जब वो हमें देख रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा संभलना पड़ता है हमें, जी जी बिल्कुल, हम संभलते हैं कि नहीं यार हमारे बड़े हमें देख रहे हैं, तो हमें कुछ संभलना है और सोच समझ के बोलना है, और एक्सप्रेशन के साथ, फीलिंग के साथ, पूरी बॉडी, कहते हैं जब तक बॉडी पूरी एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो बात जो कहना चाह रहे हैं वो जाहिर हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, वो हाथ बांध के मुंह बंद करके कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आपकी बॉडी जो है वो आपके लफ्जों के साथ न चले, तो कैसे पता चलेगा। तो ये तमाम चीजें अपने बड़ों से हमने सीखी, और इल्सा हरीम भी हमें देख रही है, इल्सा हरीम जो वो भी टीवी आर्टिस्ट है और प्रोग्राम में आ भी चुकी है, वो भी हमें इसमें ज्वाइन, अभी ज्वाइन किया इन्होंने, तो मैं खाली या तो शूट वूट से आई होंगी। तो बहरहाल भाई आप सबका बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आप सबका बहुत मैं एहसान मंद हूँ, इसलिए एक तो इसकी खांसी, मेरे जब खांसी तो माइक में ऐसा लगता है कि कान में बम फटा जाके, तो पता मेरा गला ठीक नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, मतलब मैं तो सारे गाने सुन लिए मुझसे, और तो बहरहाल भाई आप तमाम ही दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और इसी हंसी मजाक में कोई बात अगर आपको नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माजरत का तलबगार हूं। जी बिल्कुल, और मैं भी माजरत की तलबगार, क्योंकि हम हंसी मजाक में कभी कभी कोई बात, कोई लफ्ज, कोई बात, कोई जुमला निकल जाता है, मगर कोशिश बहरहाल ये होती है कि खुदा ना ऐसा कोई जुमला या ऐसा कोई लफ्ज ना निकले जो
नागवार गुजरे आप किसी की सबको, कभी भी हाँ दिल आजारी कभी नहीं, ये मकसद ही नहीं है, और ये सोचते भी और ये ऐसे लफ्ज निकालते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते हैं कभी और सोचते भी नहीं कभी ऐसे लफ्जों के बारे में। बहरहाल फिर भी इंसान है। और तमाम मैं भी तमाम देखने वालों का, तमाम जिन्होंने मैसेजेस किए, उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और इसके साथ साथ ही FM 100 के शोभी साहब का, जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब लेकर आए और आज मैं यहाँ से प्रोग्राम इनके साथ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और शोभी आपका बहुत शुक्रिया, FM 100 का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज फाइनली मैं आपके पास आ गई और मुझे पता है कि ये मुझे दोबारा नहीं लेकर आएंगे, इसलिए कि मैं बहुत बोलती हूँ ना, इसलिए इन्होंने कहा ना नहीं भाई अब दोबारा जब ये आएगी ना तो ये सिर्फ सिंगर होगी बस। दोबारा जब मैं लेकर आऊंगी सिर्फ गाना, दोबारा जब इसको मैं दोबारा जब इसको लेकर आऊंगा तो मैं सिर्फ ये सिंगर होगी और कुछ नहीं होगी, हम इसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ गाने सुनेंगे और सारे पाकिस्तानी गाने हम इनसे सुनेंगे। सही, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं बिल्कुल, और क्योंकि ये अच्छी गुलकारा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये अच्छी गुलकारा है और अच्छा गाती है ये और अच्छी गुफ्तगू करती हैं और अच्छी इंसान हैं। मतलब एक्टर अच्छी हो ना हो, सिंगर अच्छी हो ना हो, और पैरोडी अच्छी करे ना करे, मगर अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी शर्त है। बिल्कुल, जब अच्छा इंसान कहते सब कुछ है, बड़ा मकबूल एक्टर है, बड़ा मकबूल सिंगर है, मगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो फन किस काम का है? वो फन उसके तमाम चाहने वालों से उसको दूर कर देता है, क्योंकि जब वो इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका बिहेव अपने फैंस अपने चाहने वालों से बिहेव उसका अच्छा नहीं होता, उसका रवैया अच्छा नहीं, उसका सलूक अच्छा नहीं होता, तो फिर वो कहाँ से रहेगा। तो बहरहाल ये इंसान बहुत अच्छी है और यकीनन एक अच्छे से मैं इनको जानता हूँ, ये मुझे जानती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, हमारी बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला और इनको इसी तरह तमाम दुखों से दूर रखे और बच्ची के नसीब अच्छे करे, और आपको और ज्यादा हिम्मत दे। कुछ इसके साथ ही अब जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अपने आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने की, तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खैर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी दी, जिंदगी का कोई पता नहीं, अगले पल का नहीं पता, तो अगले प्रोग्राम का मैं कैसे कह सकता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी दी, जिंदगी कुछ पल बाकी रहे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए अजमल शोभी को, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगेबान, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।